नमस्ते। आज दिन है 4 अक्टूबर 2023 बुधवार, व्याख्यान नंबर 222 और स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। वॉइस चैट में वैद्य निर्माण क्रांति में स्वागत है आपका, चिकित्सा क्रांति में भी स्वागत है। वैद्य जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भ्राजक पित्त के बारे में बात होगी, विषय जो है बताएंगे दीपक भाई। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, सभी को राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम, जय धन्वंतरि। वैद्य श्री जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में, वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति अभियान में, हृदय से आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीर्घकाल के पश्चात आप सभी को पता है, गत कक्षा में हम सभी भ्राजक पित्त के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी चिकित्सा हो रही थी। चिकित्सा के बारे में वैद्य जी बता रहे थे विभिन्न कल्पों से चिकित्सा, तो उसको मैं स्मरण के लिए दोहरा देता हूँ कि आज व्याख्यान संख्या 222 है और भ्राजक पित्त की कक्षा चल रही है। भ्राजक पित्त का 27वां भाग है आज, तो इसका ध्यान रखना है। 222 व्याख्यान संख्या, भ्राजक पित्त और भाग 27, और आज का जो विषय है, विभिन्न कल्पों के आधार पर भ्राजक पित्त की चिकित्सा होगी। गत कक्षा हो चुके हैं दो, इसमें आज भी होगी, जिसमें और भी बताया जाएगा कि क्या क्या कल्प होते हैं, क्या क्या औषध है कि विभिन्न कल्पों के आधार पर जो योग ऋषियों ने बनाए हैं, खोजे हैं, शास्त्रों में जो दिए रहते हैं, उसके आधार पर हम लक्षण को देखते हुए, हेतु को देखते हुए, कारण को देखते हुए, हम कैसे भ्राजक पित्त को आ, आ, निकालें, खोजें कि ये भ्राजक पित्त विकृत है, उसके बाद हम औषध दें। तो इसी आधार पर विस्तार से इसके विज्ञान, इसके चिकित्सा वैद्य श्री जी हम सभी को पुनः आज बताएंगे अन्य औषध के आधार पर। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी श्रोतागण का, सभी पवित्र श्रोतागण का, सभी कर्णधार बंधु भाई मातृशक्ति का स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। आप सभी सुनिए, वैद्य जी का ज्ञान लीजिए और इस ज्ञान को औरों में यथासंभव बांटते रहिए, सबको बताते रहिए, तभी जो है कि जो ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण क्रांति जो अभियान है वह फलित हो पाएगा और हर गांव में सुलभता से एक वैद्य का जो चरण जब उस गांव में पड़ेंगे तो उस गांव का भी कल्याण होगा। तो यही उद्देश्य वैद्य श्री जी का है, आप सभी कर्णधारों का, हम सभी का, स्वस्थ समृद्ध परिवार का है। तो हम सभी आज फिर से आरंभ करते हैं भ्राजक पित्त की चिकित्सा के बारे में। तो मैं वैद्य जी का पुनः स्वागत करता हूँ और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करिए, मानव हित के लिए, लोक हित के लिए, समाज कल्याण के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए, जिससे कि सभी स्वस्थ हो, आरोग्य हो और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणिपात करते हुए, वो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, जैसे कि आप सबको पता है, हम प्रतिदिन वेदोक्त मंत्र से ईश्वर की, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसके बाद एक सूत्र लेते हैं, उसके बाद सिद्धि योग, तदुपरांत जो है हम आयुर्वेद के विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हमने परमेश्वर की स्तुति के लिए लिया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के चतुर्थ और पंचम मंत्र है। चतुर्थ और पंचम मंत्र इस प्रकार के हैं कि परे हि विग्रमस्त्रुतमिन्द्रम रुत्सरा विपस्थितम यस्य सखिभ्य आवरम। ये चतुर्थ मंत्र है। पंचम मंत्र इस प्रकार है, उत भूरि इसका अर्थ इस प्रकार है कि हे विद्या की अपेक्षा करने वाले मनुष्यों, जो विद्वान तुझ अर तेरे मित्रों के लिए श्रेष्ठ विज्ञान को देता हो, उस श्रेष्ठ बुद्धिमान हिंसा आदि अधर्म रहित विद्या परमेश्वरीय युक्त यथार्थ सत्य कहने वाले मनुष्य के समीप जाकर उस विद्वान से अपनी शंका पूछ और फिर उनके कहे यथार्थ उत्तरों को ग्रहण करके औरों के लिए तू भी उपदेश कर। परंतु जो मनुष्य अविद्वान अर्थात मूर्ख
दूसरों से ईर्ष्या करने वाला हो, दूसरों से कपट और छल करने वाला हो और अपने ही स्वार्थ में संयुक्त हो, उससे तू सदा दूर रहे। इस प्रकार से जो है चतुर्थ मंत्र का अर्थ है। यदि हम इसका भावार्थ को यदि समझने का प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ इस प्रकार के होता है, परमेश्वर जो है मनुष्य को एक उपदेश करते हैं, या तो यूं कहें कि वो संदेश भेजते हैं, कहते हैं कि हे मनुष्यों, सब मनुष्यों के यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने वाला और संपूर्ण विद्या को धारण करने वाला, परमेश्वर की उपासना करने वाला विद्वानों को प्राप्त करो और अच्छी प्रकार उनके साथ में प्रश्नोत्तरी की रीति से अपने सारे शंकाओं को निवृत्त करो। परंतु जो विद्याहीन है, जो कपटी है, जो ईर्ष्यालु है, जो दूसरों से हिंसा और छल करता हो, ऐसे मूर्ख मनुष्य का संग अथवा उनके दिए हुए उत्तरों में कभी भी विश्वास न करें। यह चतुर्थ मंत्र का अर्थ है। पंचम मंत्र में कहते हैं कि जो परमेश्वर की सेवा को धारण किए हुए सभी विद्या, धर्म और पुरुषार्थ में वर्तमान है, वे ही हम लोगों के लिए सब विद्याओं का उपदेश करें, और जो नास्तिक है, जो निंदक है, धूर्त मनुष्य है, वे सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर रहे और निश्चय करके उन देशों से भी दूर हो जाए। अर्थात अधर्मी पुरुष किसी भी देश में न रहे, किसी भी स्थान में न रहे, कहीं पर भी अधर्म फिर जो है परमेश्वर से ये कहते हैं कि हे परमात्मा, हम सब मनुष्यों का ये उचित है कि अधार्मिक विद्वानों का संग करके, मूर्खों के संग को सर्वथा त्याग करके पुरुषार्थ हम करें, जिससे कि सर्वत्र विद्या की वृद्धि हो, अविद्या से अविद्या की हानि हो, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार कर सके, दुष्टों को दंड दे सके, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों में वृद्धि हो और अशुभ कर्म का विनाश नित्य होता रहे। इसके लिए हमें हमारे जीवन में कभी भी दुष्ट लोगों के साथ में और अधार्मिक लोगों के साथ में हमारा जो है कभी भी संबंध ही ना बने, कभी संपर्क स्थापन ही ना हो। इस प्रकार से जो है परमेश्वर को स्तुति किया जाता है, क्योंकि जितने सारे जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनसे जब संग होता है तो हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए परमेश्वर से यहाँ पर जो है स्तुति किया गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, कभी भी दुष्ट व्यक्ति के साथ में हमारा जो है कभी भी संग ना हो, मतलब संबंध ही ना बने। इस प्रकार से जो है आज हमारा आयुर्वेद के सत्र का पहले जो परमेश्वर की स्तुति था, ये संपन्न हुआ। अब हम आगे बढ़ाते हैं विषय को। आज के विषय में हमने लिया है सूत्र के, आयुर्वेद के सूत्र के लिए करके, ग्रंथ का नाम है सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता जो है, सारंगधर आचार्य सारंगधर जी ने उनका ग्रंथ का रचना किया है, और ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि भक्त द्वेषो जले प्रति ही सुरुचि गुरुलंघने मुखे कटुकता नित्यम धनिना जरिणामपि। इसका अर्थ यह है कि भक्त द्वेष अर्थात इसमें दो प्रकार के अर्थ अर्थ होंगे। भक्त यानी कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में द्वेष यानी कि भोजन करने की इच्छा ही ना होना, यानी कि भोजन के प्रति अरुचि हो जाना, या तो भोजन के प्रति द्वेष भाव आना, ये एक प्रकार का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है भक्त, जो आपको श्रद्धा करता हो, जो आपको भक्ति करता हो, यदि आप उसके साथ में यदि द्वेष भावना रखते हैं तो भी भक्त द्वेष कहा जाता है। तो भक्त द्वेष का यहाँ पर अर्थ होगा, ये मतलब श्लेष अर्थ में ये जो श्लोक है जो रचना किया गया है, भक्त द्वेष अर्थात जो आपके साथ में विश्वास करता हो और आपने विश्वासघात किया है, तो उससे भी जो है उससे भी भक्त द्वेष कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जले प्रति यानी के जो अधिक मात्रा में पेय पदार्थ, जैसे कि दूध है, पानी है, फल रस है, गन्ने का रस है, या तो शराब है, अधिक मात्रा में जो पीने के संबंध में जो अधिक मात्रा में रुचि दिखाता हो, तो उसे भी जो है जले रुचि मतलब कहा गया है। तो जले रुचि, उसके बाद में व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो है जड़े, इसको ड र ल, ये तीनों का अक्षर का उच्चारण जो है एक जैसा ही होता है, इसीलिए इसका जो श्लेष्म करेंगे तो ये जड़े रुचि हो जाएगा। जड़े यानी के जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उन्हें जड़ कहा जाता है। जड़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो बुद्धि है वो जड़ बुद्धि हो जाता है, तो जिनकी जड़ बुद्धि होती है उन्हें भी जड़ कहा जाता है। तो जड़े प्रति यानी के मूर्खों के प्रति, मूर्खों के साथ में जिनका प्रति अर्थात जिनका संबंध अच्छा रहता है, या तो मित्रता का, बंधुता का
संबंध रहता हो, तो उसे भी जड़े प्रीति कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि सुरुचि गुरु लंघने, सुरुचि गुरु लंघने अर्थात गुरु अर्थात माता पिता जितने सारे गुरुवर्ग है गुरुगण है उनकी आज्ञा का अवज्ञा करना, इसमें अधिक मात्रा में रुचि हो, ये अर्थात उनके जीवन का एक प्रकार से नियम बन गया हो कि मैं माता की आज्ञा का बातों का मैं अवहेलना करूंगा, पिता की बात का मैं अवमानना करूंगा, गुरु की बात का आज्ञा का मैं अवज्ञा करूंगा, इस प्रकार से जो है गुरु लंघनम मतलब सुरुचि है। दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि लंघन अर्थात उपवास करना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, इसको लंघन कहते हैं। तो गुरु सुरुचि गुरु लंघन है मतलब अधिक अधिक दिन तक उपवास करते रहना और उसमें उनको बहुत रुचि है पसंद है, तो उसके उसे भी जो है सुरुचि गुरु लंघन कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि मुखे कटुकथा, मुखे कटुकथा अर्थात मुंह में कभी भी किसी के प्रति प्रेम से बात नहीं करना, श्रद्धा भाव से बात नहीं करना, किसी के प्रति मधुर वाणी से बात नहीं करना, हर किसी के साथ में कटुकता यानी कि तीखी वचन बोलना, हर किसी के साथ में जो है दोगलापन जैसे बातें करना, तो ये भी एक प्रकार से मुखे कटुकता कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ ये है मुखे कटुकता का कि उसके मुंह में कड़वापन आ गया है, उसे कुछ भी खाओ तो केवल कड़वा कड़वा लगता है, नीम की तरह करेले की तरह कड़वा कड़वा लगता है, तो उसे भी जो है मुखे कटुकता कहा जाता है। और उसके बाद में कहते हैं कि नित्यम धनी नाम जरनाम अपि, अर्थात मतलब जैसे धनियों के धन रोग से पीड़ित होते हैं ना, तो धनी नाम अर्थात यहाँ पे भी दो अर्थ होंगे, एक होता है धनी नाम अर्थात दिन व दिन केवल धन के पीछे भागते रहना, धन रोजगार करना है मुझे केवल धन ही दिखना है, मतलब धन के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं दिखता, कोई धर्म नहीं दिखता, विद्या नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, परिवार समाज राष्ट्र कुछ नहीं दिखता, केवल धन ही दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं धन रोग। दूसरा धन रोग क्या है ना, दूसरा धन रोग जो है एक प्रकार से अलग रोग होता है, जैसे धनव रोग या तो फिर जो धनुर्वात जो वात रोग होता है उसे भी धनव रोग भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो है इसका भी दो प्रकार के अर्थ होता है। फिर कहते हैं कि ज्वरेण मपि, जैसे किसी को ज्वर हो जाता है यानी कि बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो उसके पूरे अंग प्रत्यंग में कैसे दर्द होने लगता है, मतलब हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, बदन में दर्द, सर में दर्द, और उसको दुर्बलता धीरे धीरे ग्रसित करने लगता है। ठीक उसी तरह वही जब स्थिति वात रोग हो जाता है तो भी उसके शरीर में हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, बदन में दर्द और उसको दुर्बलता ये आने लगती है। तो आप देखेंगे महर्षि सारंगधर जी ने श्लेष्म श्लेष्म यानी के जिसमें दो दो प्रकार के अर्थ होते हैं उसे श्लेष्म कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में, तो ये श्लेष अर्थ के आधार पर इन्होंने ये श्लोक को मतलब कहा गया। मैं श्लोक को फिर पुनः इसका सूत्र को उच्चारण कर देता हूँ। भक्त द्वेषो जले प्रीति सुरुचि गुरु लंघने मुखे कटुकता नित्यम धनिनाम जोनिनाम अपि। जब ये लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देने लगे, भले वो पहले वाला अर्थ का लक्षण हो अथवा दूसरे वाला अर्थ का लक्षण हो, दोनों में से कोई एक भी अर्थ का लक्षण आपको दिखाई देने लगे किसी व्यक्ति में, तो समझ लेना उसका भ्राजक पित्त धीरे धीरे विकृत होना आरंभ हो गया है। ये भ्राजक पित्त के अंतर्गत अभी चर्चा चल रही है, तो ये भ्राजक पित्त के अंतर्गत ही हमने आज जो है हमने सूत्र के रूप में लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज बहुत पसंद आया होगा, और ये था आयुर्वेद का सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है सूत्र के बाद में हम जाते हैं सिद्ध सिद्धि योग की तरफ। सिद्धि योग वो है जो हम 10 लोगों के ऊपर उपचार प्रयोग करते हैं तो 10 के 10 आपको जो है परिणाम आपको अच्छे मिलते हैं, एक भी परिणाम जो है उसमें मतलब एक भी रोगी के ऊपर वो विफल नहीं होता है, सफल ही होता है, तो उसे सिद्ध योग कहा जाता है। और ये सिद्ध योग जो नामकरण ये हमने नहीं कहा है नहीं किया है, ये तो चरक सुश्रुत जितने सारे महर्षि हुए हैं उन लोगों ने जो है सभी महर्षियों ने इसका नामकरण किया है। तो आज अभी जो है कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि चारों ओर केवल नाक के बहुत सारे रोग रोग आपको मतलब देखने को मिलेगा। नाक के रोग क्या देखने को मिलता है, अभी आपको पता है कि अभी शरद ऋतु आरंभ हो गया है, तो चारों ओर जो है अभी नाक से या तो फिर आंख से जो है उनका रक्त आने लगता है, रक्त स्राव होता है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत करता है। तो जो हमने अभी तक प्रयोग किए हैं ये अभी 10-15 दिन के अंदर, तो उसके 10-15 दिन भी नहीं, केवल अभी मान लीजिए कि 3-4 दिन के ही मतलब भीतर जो है हमने कुछ लोगों के ऊपर प्रयोग कराया है, तो जो उसमें से परिणाम मिले हैं वो हम लोग मतलब आप लोग के सामने उपस्थापना करने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि जो दुबा जो वनस्पति होती है
आपको मालूम है कि जैसे दुर्वा, दुब घास, ऐसे मतलब कहा जाता है। तो ये रक्त स्तंभ के लिए राम तरह काम करता है, ये चरक जी ने कहा है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट जी ने, सारंगधर जी ने, भाव मिश्र जी ने, जो हमारे जो बृहत्रय लघुत्रय कहा जाता है, आयुर्वेद के मुख्य मुख्य ग्रंथ बृहत्तर लघुत्रय जो सात ग्रंथ है, उन सभी सात के सात ग्रंथ में, माधव निदान को छोड़ करके सभी छह के छह ग्रंथ में दुर्वा रस की बड़ी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा किया गया है। क्योंकि इसका मुख्य जो गुण है वो रक्त स्तंभन करना, इसका मुख्य गुण है। तो दुब का रस उसको क्या करना है, नाक में डाल देना है। जिसके भी नाक में से रक्त स्राव होता है तो केवल दूध को, क्योंकि उसमें से पानी बहुत कम निकलता है, उसका रस बहुत कम निकलता है, तो थोड़ा सा उसको पहले क्या करना है, दूध को, घास को जो है आपको उखाड़ करके लाना है और ला करके तुरंत धो लेना है, क्योंकि उसमें धूल लगा होगा, मिट्टी लगा होगा, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, कीड़े मकोड़े, किसी ने कुछ अपना मल त्याग किया होगा, तो उसमें आपको सबसे पहले उसको धो लेना है और धो करके तुरंत जो है उसको टुकड़े टुकड़े में काट लेना है, और काट करके तुरंत आपको इमाम दस्ते में आपको पीस लेना है, और पीस करके जब आप मतलब लगभग 4-5 मुट्ठी भर लेंगे तो आपको बड़े मुश्किल से मुश्किल आपको आधा चम्मच रस आपको मिलेगा। ये क्योंकि उसका रस बहुत कम निकलता है, तो जब आपका इतना रस निकल जाएगा तो दोनों नथुनों में उसको, रोगी को आप लिटा दीजिए बिस्तर पे, लिटा करके जैसे नस्य डाला जाता है ऐसे ही दोनों नथुनों में उसको डाल दीजिएगा, वो जो आधा चम्मच रस निकलेगा, बस केवल एक ही बार करना है। और फिर जो है शाम को अपराह्न काल में लगभग 4-5 बजे आपको फिर से दोबारा उसमें नाक में रस डाल देना है, दूब घास का रस, और ये ताजा रस निकालना है, ताजा रस डालना है। कोई कोई लोग बोलते हैं अच्छा मैं ज्यादा मात्रा में ले लूंगा या तो ले लूंगी, उसको कूट करके मैं फ्रिज में रख दूंगी तो चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ताजा दूब का घास उखाड़ करके लाना है और धो करके तुरंत ही उसका रस निकालना है और तुरंत ही नाक में डालना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। कभी कभी देखेंगे जो ग्रीष्म ऋतु होता है, चैत्र महीना, वैशाख महीना, जेठ का महीना, आषाढ़ का महीना, ये जो 4 महीने होते हैं, ये 4 महीने में दुब घास का रस आप कितना भी प्रयास करें, लगभग एक बोरा लेंगे, 50 किलो के जैसे मतलब वजन में लेंगे दुब घास, तो आपको बड़े कठिनता से 1 चम्मच या तो 2 चम्मच ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि दुब घास का, उसके आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में जैसे सूर्य का प्रकाश किरण ज्यादा बढ़ता जाता है, तो उसका जितने सारे पौधे होते हैं उन सबके जो रस जो है उसको शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, तो दुब घास का कैसे रहेगा, वो भी सूखा सूख जाता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो जमीन का ही रस तो ज्यादा सूखता है, तो दुब घास का भी रस जल्दी सूख जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, दुब लेके आ जाना है और थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप डाल दीजिएगा लोहे के कढ़ाई में, ठीक है, लोहे के कढ़ाई में डाल करके 1-2 चम्मच देसी गाय का घी 2 चम्मच डाल देना है, और थोड़ा सा दुब घास मतलब मुट्ठी भर लेके आ जाइए और उसको धो करके तुरंत छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में काट करके, इतना बारीक से काटना है जैसे आपको मतलब कोई उसका चटनी बना रहे हैं, इतना बारीक से पीस लेना है, और पीस करके जो है उसी जो गाय के घी में आपको उसको भून लेना है। ये सबसे बहुत अच्छा प्रयोग देता है। अब आप बोलेंगे कि गाय के घी में क्यों भूनना है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाक से रक्त स्राव होता है, अर्थात उसके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और कौन सा वाला पित्त बढ़ा है, तो रंजक पित्त बढ़ गया है, विकृत हो गया है, तो रंजक पित्त को यदि तुरंत शमन करना है तो घी सबसे अच्छा काम करता है। तो इसके लिए दुब घास का रस नहीं मिलेगा, तो वहां पर जो है आपको दुब घास का जो भी रस है वो आपको घी में आपको जो है स्थानांतर करना है, और घी से वो रस आपको, उसका गुण जो है आपको घी से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए दुब घास का जो है आपको घी में भून लेना है, लगभग 100 ग्राम की मात्रा में दुब घास लीजिएगा और 10 ग्राम की मात्रा में, 1 लीटर की मात्रा में गाय का, देसी गाय का घी डाल करके छोटे छोटे टुकड़े में या तो पीस करके उसको जो है घी में भून लीजिए, और तब तक भूनना है जब तक उसका झाग निकलना बंद नहीं होता। जैसे ही झाग निकलना बंद हो जाए तुरंत दूसरे बर्तन में उसको खाली कर देना है, छान लेना है, और ठंडा होने के बाद में उसमें से दो दो बूंद जो है आपको नाक में डालना है। दिन में 3 बार तक डाल सकते हैं, और आप इसे सुरक्षित रखकर आप किसी को भी उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस मित्र सगे बंधु बांधव जो है किसी को भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। और 2 बरस तक ये जो घी है इसे दुर्वा घृत कहा जाता है, तो दुर्वा रस घृत भी कहा जाता है, और ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये दोनों में इसका वर्णन है। आप लोग ये मतलब ये मत समझिए कि कोई भी साधारण दिखने वाला योग है वो ऐसा किसी मतलब पुस्तकों में लिखा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सारे आप योग कहीं ना कहीं आपको सुनने को, देखने को, जानने को मिलेगा, वो सारा का सारा हमारा आयुर्वेद के ग्रंथ में ही है। हाँ, हालांकि ये है
जो बताने वाले हैं वो ग्रंथ का नाम नहीं बताते, संदर्भ ग्रंथ। इसीलिए लोगों में एक प्रकार से भ्रम फैल गया है, भ्रांत धारणा हो गया है। तो ये चरक जी ने, सुश्रुत जी ने कहा है। चरक जी में और दूसरा भी योग बताया गया है, रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय में देखेंगे, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में, तो वहां पर एक दूसरा योग बताया गया है। ये जो गन्ने का रस, वहां पर इक्षु रस करके मतलब कहा है, इक्षु यानी कि गन्ना, गन्ने का बिना पानी मिलाए, बिना बर्फ मिलाए, उसमें उसका रस निकालना है और उसको क्या करना है, नाक में डालना है, लगभग पांच पांच छह छह बूंद उसके नाक में डाल देना है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यदि जो शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आदि शहर में रहते हैं, तुरंत जाइए बाजार और बिना पानी मिलाए, बिना बर्फ मिले, गन्ने का रस लेके आ जाइए और उसका जो है आपको नाक में डालना है, तुरंत बंद हो जाता है। ये चरक जी का वचन है और चरक जी आप्त थे। तो आप्त जो वचन होता है ना, वो कभी असत्य नहीं होता, सत्य सत्य ही होता है, परम सत्य होता है। ठीक उसके बाद में बृहत निघंटु रत्ना करके ग्रंथ जो है उसमें बताया गया है। क्या बताया है कि जो आम का गुठली का जो रस होता है, आम का गुठली लीजिएगा, जो कच्चा केरी होता है जिसको कहते हैं गुजरात में, कच्चा कच्चा आम, उसका जो हरा रंग होता है, उसका अंदर का गुद्दा लीजिएगा, मतलब जो गुठली होती है, गुठला एकदम नरम नरम होता है, उसको कूट करके रस निकाल लीजिएगा। ये कब करेंगे, ये फाल्गुन का महीना और चैत्र का महीने में आपको मिलेगा, दूसरे किसी महीने में आपको नहीं मिलेगा। और उसके साथ में प्याज का रस, दोनों में से जो है आधा आधा चम्मच निकालना है, तो एक चम्मच हो जाएगा, दोनों को मिला देना है और आधा आधा चम्मच करके दोनों नथुनों में आपको ढाल देना है। तो बस एक या दो बार में ही तुरंत रक्तस्राव, कैसा भी रक्तस्राव हो, किसी भी कारण से हो, वो तुरंत बंद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं। और एक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रंथ का नाम है भेषज रत्नाकर। ये आप लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, भेषज रत्नावली नाम से तो ग्रंथ है, भेषज रत्नाकर भी है, और एक ग्रंथ है भेषज कुतूहलम। ये भेषज रत्नाकर और भेषज कुतूहलम जो है, दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े महर्षि हुए, महर्षि जी का नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य तो हम लोगों ने सुना है कि वो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे, वो नहीं है, ये भास्कराचार्य जो है ये दक्षिण भारत में हुए, जो कि द्राविड़ जो का पहले के पुराण पुराण काल में द्राविड़, अंग, बंग, कलिंग, मगध, गुजराष्ट्र, महाराष्ट्र, मेरठ, मरठ ऐसे करके मतलब नाम हुआ करते थे। तो जो द्राविड़, द्राविड़ यानी कि जो द्वापर युग के समय या तो थे, वो उस समय ही होगा, क्योंकि कलयुग में अभी जो 5000 जो अभी हुआ, या तो फिर 2000 साल पहले द्राविड़ करके नाम हुआ होगा, हो सकता है, अभी इसके विषय में थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा। तो जो द्राविड़ के एक महर्षि हुए, बहुत महर्षि हुए, उनका नाम है भास्कराचार्य, मतलब महर्षि भास्कर ऐसा कहा जाता है। बाद में उनके कुछ कुछ ग्रंथों में आचार्य भास्कर, महर्षि भास्कर विरचित ऐसा करके मतलब उन्होंने वहां पे मतलब ऐसा देखने को मिलता है। तो भेषज रत्ना करके और भेषज कुतूहल करके दो ग्रंथ है, उन दोनों ग्रंथ में महर्षि भास्कर जी ने एक योग बताया है। वो क्या बताया है, कहा कि स्फटिक का भस्म लेना है, जो स्फटिक होता है जैसे फिटकरी बोलते हैं हम लोग, जो सैलून में रखा रहता है, कहीं पे कट जाता है तो आपको फिटकरी वहां पे लगा देता है ना, नाई, वही फिटकरी है। फिटकरी भी ऐसे दो प्रकार के आता है, एक गुलाबी रंग का, एक सफेद रंग का। आपको यदि गुलाबी रंग मिले तो भी अच्छा है, नहीं तो सफेद वाला तो भी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कि कोई कोई ऐसा भाई भ्रम फैलाते हैं कि गुलाबी रंग ही चाहिए फिटकरी, वो सबसे अच्छा काम करता है, तो लोग मतलब ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है, फिर वो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे गुलाबी वाला तो मिला नहीं, अभी पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, ऐसा न कर न ऐसा मन में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जो सफेद रंग का जो फिटकरी है वो भी बहुत अच्छा काम करता है रक्त स्तंभन के लिए, तो आप सफेद रंग का भी मिलेगा तो भी अच्छा है, तो फिटकरी का भस्म लीजिए। फिर उसी तरह गोमय भस्म, गोमय भस्म यानी कि गाय का गोबर का जो भस्म है वो लेना है, गोमय का भस्म। फिर उसके बाद में कहते हैं कि भोजपत्र भस्म, भोजपत्र यानी के जो आपको पंसारी के वहां ही मिल जाएगा भोजपत्र, जो कि पहले के समय में कहीं पर भी किसी को कुछ संदेश भेजना होता तो होता था, तो या तो ताड़पत्र या तो भोजपत्र में संदेश भेजा जाता था। तो भोजपत्र भी आपको अपने जो पूजा का दुकान वहां पे मिल जाएगा, या तो पंसारी के वहां आराम से मिल जाएगा। तो भोजपत्र को जला करके भस्म कर लेना है, और गोमय भस्म, देसी गाय का गोबर जमीन में गिरने से पहले आपको गोबर हाथ में ले लेना है। जमीन में गिरा हुआ गोबर वो काम का नहीं है यहाँ पे रक्त पित्त चिकित्सा में, ठीक है। और जो है स्फटिक भस्म, स्फटिक भस्म आपको कर लेना है, और तीनों का भस्म मिला करके बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रखें।
एक या तो दो मात्रा में कैसा भी रक्त पीते तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये महर्षि भास्कर जी का कहना है और हमने इसको प्रयोग किया तो हमें भी परिणाम मिला। और एक मजे की बात बता दूं, एक जगह से फोन आया जो कि आदिवासी क्षेत्र था, वहां पे जब हमने बोला कि स्फटिक भस्म और गोमय भस्म और भोजपत्र भस्म आपको बना करके कर लीजिए, तो बोले कि हम तो जंगल में रहते हैं, हमारा यहाँ से लगभग 80-82 किलोमीटर जाने पर कोई छोटा सा शहर हमें देखने को मिलेगा, और वहां पर मिलेगा कि नहीं वो भी संदेह है, तो आने जाने का हमारा कम से कम जो है 400 रुपया ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। तो हमने उनको ऐसे ही बोल दिया कि आप एक काम करो, भोजपत्र नहीं मिलता है तो कोई कागज का ही भस्म बना लो, क्योंकि कागज भी तो हम लोग कागज का भस्म या तो कपड़े का भस्म भी हम लोग रखते हैं, कहीं पे यदि कट जाता है तो रक्त को बंद करने के लिए, रक्त को स्तंभन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और ये हमने बचपन में देखा है कागज को जला करके भस्म जो है उसको लगा देते हैं तो कहीं पे कटा कट जाता है तो रक्त बंद हो जाता है, या तो कपड़ा जो होता है कॉटन कपड़ा, सूती का कपड़ा, उसको भी भस्म करके हम लगा देते हैं उसकी राख तो भी रक्त को बंद कर देती है, परंतु वो बाह्य प्रयोग है, ये अंतः प्रयोग है। इसके लिए आप जो है कागज का थोड़ा सा साफ सुथरा देख करके आपको लेना है, तो कागज का भी भस्म मिला करके भी उन्होंने प्रयोग किया तो भी उनको 2 बार में ही उनका जो नाक से रक्त गिरता था वो बंद हो गया। इसीलिए यदि भोजपत्र यदि किसी को नहीं मिलता है तो फिर दुखी ना हो, चिंतित ना हो, आप भोजपत्र के बदले में, परंतु इसको ये रखे, इसको विकल्प रखे कि भोजपत्र नहीं मिला तो कागज लेना है, इसका अर्थ ये नहीं कि अरे कागज तो चलता है, वैद्य ने बता दिया, सत्यवान जी ने, तो कागज ही ले लो, ऐसा मत करें, पहले भोजपत्र के लिए अनुसंधान करें, भोजपत्र नहीं मिलता है तो उसके विकल्प में आपको जो है कागज लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था रक्तपित्त, मतलब नाक से रक्त गिरना, इसको आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है रक्तपित्त, तो जिनको भी यदि नाक से रक्त गिरना ये समस्या है तो आप जो है प्रयोग में ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको प्रयोग में लाइए तो निस्संदेह जो है आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये था आपका हमारा सिद्ध योग। जो मुख्य है वो आगे बढ़ाते हैं, तो मुख्य विषय हमारा क्या है, तो मुख्य विषय हमारा भाजपा विकल होने राम। हेलो, आवाज आ रही है? जी बात आ रही है। जी, हाँ, तो हाँ क्या कह रहे थे? हाँ, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं भ्राजपित्त विकृत होने पर क्या क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, तो उस दिन तो हमारा हमें बहुत अच्छे तरह से याद है कि अमृत भल्ला तक अवलेह के विषय में हमारा उस दिन चर्चा हुआ था, तो आप लोग को मजा बहुत मजा आया होगा, पसंद आया होगा, ऐसा हमें विश्वास है, और आप लोगों ने उसको अपने जीवन में अवश्य, मतलब आज नहीं तो कल उसको प्रयोग में लाएंगे, ऐसा भी हमें विश्वास है, तो उसको प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आज उसके मतलब और क्या क्या है हम उसको प्रयोग में लेते हैं, तो आप गद निग्रह करके एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, तो गद निग्रह के देखेंगे घृत प्रकरण में बहुत अच्छा उसमें प्रयोग बताया गया है, और गद निग्रह में घृत प्रकरण में उसमें कहा गया है, ग्रंथ औषधि का नाम है आवर्तकी घृतम, आवर्तकी घृतम करके आप देखेंगे तो उसमें ये जो भ्राजपित्त को बहुत अच्छा परिणाम देता है भ्राजपित्त में, हालांकि उसे घृत प्रकरण में ये भी कहा गया है कि ये मंदाग्नि को ठीक करता है और भ्राजपित्त को ठीक करता है, व्रण को ठीक करता है, कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है, जहां जहां शरीर के अवयव में दर्द हो रहा है उस दर्द को ठीक करता है, स्नायु के विकार हो तो स्नायु के विकार को भी ये ठीक करता है, मतलब स्नायु विकार को भी दूर करता है, और साथ में यदि आपको यदि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, यदि पाचन तंत्र में विकृति आ गई है तो पाचन तंत्र के विकृति को भी वो बहुत अच्छे से वो ठीक करता है, ऐसा मतलब उसमें गद निग्रह में कहा गया है, तो ये निश्चित रूप से भ्राजपित्त में ये काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है, तो आप इसमें मतलब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे आज हमने जो सूत्र में लिया था सारंगधर संहिता का योग था, तो ठीक उसी तरह उसी सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में देखेंगे, नवम अध्याय सारंगधर संहिता मध्यम खंड नवम अध्याय में देखेंगे, तो वहां पर भी भ्राजपित्त को ठीक करने के लिए सारंगधर आचार्य जी ने बहुत अच्छा योग बताया है, योग का नाम है काशी साध्य घृतम, और ये काशी साध्य घृत जो है आपको बवासीर में भी दिया जाता है,
खाज में दिया जाता है, दाद में दिया जाता है, भगंदर में दिया जाता है, वात रक्त में भी दिया जाता है, विस्फोटक में दिया जाता है। और जहाँ पर यदि मतलब आपके शरीर में कहीं पे ऐसा है कि रात में आप सोए थे और आपके ऊपर किसी का मतलब किसी कीड़े का मकोड़े ने मतलब आपको जो है थोड़ा सा आपको मतलब डस लिया, आपको पता नहीं किसने डसा लेकिन घाव बन गए और वो घाव ठीक नहीं हो रहे और आपको बुखार हो रहा है और बुखार भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये काशी साध्य ग्रंथ भी मतलब देंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा क्योंकि वो भ्राजक पित्त को ही संपूर्ण रूप से वो ठीक करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको सिफिलिस है, सिफिलिस जो है मतलब उपदंश, ये सबसे बड़ा घातक रोग होता है क्योंकि हमारे जो गुप्तांग होता है ये गुप्तांग को पूरा नष्ट कर देता है, गिर जाता है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और कहीं पर भी यदि सूजन है, शोथ है, तो उसको भी ठीक करता है। और हमारा जो नासूर हो जाता है ना, कोई भी घाव हो गया, व्रण हो गया, यदि वो ठीक नहीं होता है या तो फिर सिर प्रसीरा के ऊपर या तो नाड़ी के ऊपर यदि कोई घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो धीरे धीरे जो कोई भी पुराना घाव होता है वो नाड़ी व्रण हो जाता है, यानी कि नासूर बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये नासूर में बहुत अच्छा ये प्रयोग करता है। और उसके साथ में आप देखेंगे कुछ कुछ लोगों के सर में या तो दाढ़ी में सिक्के के आकार का मतलब 1 रुपए का जो छोटा छोटा सिक्का होता है, सिक्के के आकार का जो है बाल उसमें झड़ जाता है, आपने देखा होगा कितने लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे जब आपको देखने को मिलेगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसे शुक किट या तो शुक दोष आदि के नाम से मतलब जाना जाता है, माधव निदान में आप पढ़ेंगे तो ये शुक किट में शुक दोष में जो है ये बहुत अच्छा प्रयोग करता है। तो आप इसका यदि काशी साध्य घृत का लगाना भी है और उसको जो है आपको मतलब सेवन भी करना है, नहीं सेवन नहीं करना है, इसको केवल लगाना है, बाह्य प्रयोग करना है, बाह्य प्रयोग करने से ये बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और उसके साथ में ऐसा कहा जाता है कैसा भी दाद हो, खाज हो, खुजली हो, और कहा जाता है कि कैसा भी आपके सर में भी मतलब कोई भी घाव हो, जो घाव आपके किसी अन्य औषधि से ठीक नहीं होता है तो इससे भी ठीक हो जाता है। ये केवल घाव को ठीक नहीं करता, नाड़ी व्रण को ठीक करता है, वात रक्त को ठीक करता है, जो गाउट होता है ना, गाउट जैसे अंग्रेजी में GOUT गाउट बोलते हैं, गाउट में भी ये बहुत अच्छा मालिश करने के लिए काम आता है। और आपके शरीर में यदि कोई घाव भर नहीं रहा है तो व्रण रोपण के कारण भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे कोहनी के पास में, घुटने के पास में काले काले रंग हो जाता है, मतलब जो गोरे गोरे लोग होते हैं यदि वहां पर थोड़ा सा काला रंग हो जाता है ना तो उनको लगता है कि मैं असुंदर हो गया हूँ, मतलब बदसूरत हो गई है, मतलब मेरा जो सौंदर्य है वो सौंदर्य में थोड़ा अभाव हो गया, क्षीण हो गया है। तो वो लोग करते बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ मलहम प्रयोग करते हैं या तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ लेप खोजने का प्रयास करते हैं, ऐसा कोई लेप हमें मिल जाए, ऐसा कोई मलहम हमें मिल जाए जो कि मेरा पूरा सारा शरीर गोरा है तो ये कोहनी और घुटना भी मेरा गोरा ही रहे, मतलब त्वचा साफ रहे, ये भी लोग प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे जो सारंगधर संहिता का मध्यम खंड नवम अध्याय में बताया गया जो काशी साध्य घृत है, तो जब आप इसको प्रयोग में लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ये प्रयोग मतलब बहुत अच्छा आपको इसमें परिणाम मिलेगा। तो आप इसको मतलब यदि आपको मतलब नहीं मिल रहा है तो आप अपने आसपास जो है वैद्य से मिल करके इसको बनाइए, तो वो इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा, तो आप इसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको और एक औषधि मतलब योग बताने जा रहा हूँ, ये तो हो गया आपका सारंगधर जी का काशी साध्य घृत, और एक घृत आपको मतलब मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है, ग्रंथ का नाम है रस रत्नाकर। मैं ये सब आप लोग के लिए इतना सारा ग्रंथ है ना खोज खोज करके लाता हूँ कि आप लोग को कोई परेशानी ना हो ऐसा, हालांकि पहले के सत्र में वात पित्त में केवल नाम ही बता दिए थे, तो किसी भाई ने फोन करके बोला कि मैं भी चिकित्सा करता हूँ, वैद्यता करता हूँ, परंतु ये आपने नाम बताया तो हमें उसके घटक सब खोजने में बड़ा परेशानी होता है, आप यदि ग्रंथ का नाम बता देंगे और थोड़ा सा हमें थोड़ा जो है सहायक हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा परेशानी तो होगा, कष्ट होगा, लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये आप लोगों के लिए ही है, आप लोग मतलब बहुत अच्छा मतलब सहायक सिद्ध होगा। तो ग्रंथ का नाम रस रत्नाकर, और वहां पे देखेंगे कि वहां पर कुष्ठ चिकित्सा के अंतर्गत ये है, ये योग बताया है, और औषधि का नाम है, योग का नाम है खदिरादि पंचतिक्तकम घृतम, और एक पंचतिक्तम घृतम करके और एक औषधि मतलब बताया गया है, ग्रंथ का नाम है भेषज रत्नावली, परंतु वो वाला औषधि यहाँ पे नहीं प्रयोग करना है, मतलब भेषज रत्नावली में जो पंचतिक्त घृत बताया है पंचतिक्त घृत के विषय में नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं रस रत्नाकर ग्रंथ का कुष्ठ चिकित्सा के अंतर्गत खदिरादि पंचतिक्तकम घृतम, जब आप इसको प्रयोग करेंगे उसमें क्या क्या है, तो इसमें खदिर सार है, अमलतास है, त्रिकुटा है, निशोथ है,
अर्थ है, चित्रक है, पटल है, त्रिफला है, नीम छा नीम के पत्ते है, हल्दी की अति, और बत्ता है, धमासा है, कु है, रंजकारी है, और कृष्ण परिवार दोनों है, विडंग गूगल का गूगल का कल है, और पंत पंत के जो नीचा अटे तर से कि ते जब ए में मिल जाता है तो समित के हैं, जैसे हर लगो तो फला आवाज नहीं आ रहा है वैद्य जी। दीपक भैया, राम राम भैया। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है सुशील भैया जी भैया। आपकी आवाज आ रही है। गुरु जी की आवाज बंद हुई है, काफी देर हो गई। जी रवि राजन जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गुरु जी की आवाज काफी देर से नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है। शायद अच्छा, गुरु जी बाहर हो लिए हैं अभी। भैया नेटवर्क इशू है भैया, तो नेटवर्क दीपक इशू है, भैया थोड़ा क्या? थोड़ा वेट करिए, नेटवर्क इशू है वैद्य जी का, तो दोबारा जोड़ेंगे वो। ठीक है भैया। हाँ हाँ नेटवर्क इशू है। सुशील भैया, वैद्य जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या?
हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया जी, आ रही है आवाज। देखिए जी, क्या हुआ? चैट रुकी हुई है। भैया एक मिनट, बैजी का नेटवर्क में दिक्कत है तो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक ठीक वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ जी, राम राम। अभी आवाज आ रही है? हाँ, जी गुरु जी, आ रही है आवाज। जी पता नहीं ये नेटवर्क के कारण गड़बड़ हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था, जरा बताइए तो। वो पहला वाला योग ही शुरू किया था उसका, बताना कौन कौन से वो थे उसमें, पटोल पत्र और वो बता रहे थे ना, तभी फिर आवाज कटने लग गई थी। अच्छा, खदिरादि पंचतिक्त पंचतिक्तकम घृतम, वो वाला ना? हाँ, उसको बता रहे थे तभी आवाज कटने लग गई। जी, हाँ, ये जो रस रत्ना करके मतलब नाम का ग्रंथ है, उसमें ये योग बताया गया है। ग्रंथ का नाम है रस रत्ना कर, और योग का नाम है खदिरा पंचतिक्तकम घृतम, और एक योग है पंचतिक्त घृत करके, जो कि आपको भेषज रत्नावली में मिल जाएगा, परंतु उसके घटक अलग है और उसके परिणाम अलग है, इसकी मात्रा अलग है। इसके घटक और इसके परिणाम और इसके मात्रा अलग अलग है, इसके प्रयोग विधि अलग है, उसके प्रयोग विधि अलग है। क्योंकि कभी कभी दुकानदार या तो कुछ कुछ वैद्य लोग क्या करते हैं, खदिर आदि पंचतिक्त घृतम, किसी ने कहा है, अरे यही है पंचतिक्त घृत, देखो इसमें पंचतिक्त घृत लिखा है, इसमें भी पंचतिक्त घृत लिखा है, ऐसे नाम के थोड़ा बहुत एक एक शब्द एक एक अक्षर भी मेल होता है ना, तो भी उसे भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए आपको पूरा जानकारी होना परम आवश्यक है कि खदरादि पंचतिक्त घृत जो है उसको रस रत्ना कर वाला योग है, ऐसा आपको बताना चाहिए। और वो जो पंचतिक्त घृत हो वो भेषज रत्नावली का योग है, तो दोनों के ग्रंथ अलग है, दोनों के योग अलग है, दोनों के घटक अलग है, ये आप बताएंगे तो वो अचंभित रह जाएगा, फिर आपको भ्रमित नहीं करेगा। तो इसमें क्या कहा है, पहले खदिर सार है, फिर उसके बाद में मतलब खदिर सार है अमल, खदिर सार है, अमलतास है, त्रिकुटा है, और निशोथ है, चित्रक है, दंती मूल है, पटोल पत्र है, त्रिफला है, नीम है, नीम का छाल है, हल्दी है, सोमराजी है, कुटकी है, अतिस है, पाठा है, और बनफसा है, धमासा है, कुट करंज के गिरी है, और कृष्ण सारीबा सफेद श्वेत सारीबा, दोनों प्रकार के सारीबा है, इंद्र जो है, भिलावा है, वायुविडंग है, और शुद्ध गुगुलु है, और पंचतिक्त आपको लेना है। पंचतिक्त यानी कि जैसे त्रिफला, हरड़ बेहड़ा आमले के संयोग को त्रिफला कहा जाता है, सोंठ काली मिर्च पिपली को त्रिकुट कहा जाता है, ठीक उसी तरह पंचतिक्त यानी कि नीम के जड़ के छाल, या तो नीम का छाल और पटल पत्र, कटेरी, वासा का छाल और गिलोय, ये पांच चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके जब रखते हैं, तो आयुर्वेद के सांकेतिक भाषा में इसको जो है पंचतिक्त कहा जाता है। तो जहां पर भी पंचतिक्त ये प्रयोग मतलब कहा गया है, तो आपको ये तुरंत जो है ये पांच चीजों को आपको बराबर 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 मात्रा में मिला करके रख लेना है, बस हो गया, पंचतिक्त चूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको सबको बराबर मात्रा में लेकर के क्या करना है, उसके 16 गुना पानी में आपको पकाना है, जितना आपने मतलब पानी लिया है उसका एक चौथाई आपको देसी गाय का घी लेना है, और लोहे के कढ़ाई में आपको जो है पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है। पकाते पकाते जब वो ये पूरी तरह से घी बन करके तैयार हो जाएगा, अर्थात जब पूरी तरह से झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो आपको तुरंत जो है दूसरे बर्तन में आपको छान लेना है। जब शीतल हो जाए, ठंड हो जाए, ठंडा हो जाने के बाद में किसी चौड़ा वाले शीशी में, चौड़े वाले शीशी में आपको भर करके रखना है। बस यही है खदिरादि पंचतिक्तकम घृतम। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेवन करना है, आपको जो काशी शादी घृत बताया था वो क्या करना है, आपको मालिश करनी है, मतलब बाहर बाह्य प्रयोग करना है, और इसको जो है आपको सेवन करना है। तो इसको सेवन करने से क्या होगा, तो कहा जाता है रस रत्नाकर में बताया गया है कि आठों आठ आठ जो महा महा कुष्ठ है वो महा महा कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि हमारे शरीर में 23 प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां यानी कि जिसको अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं, GLAND, ग्लैंड कहते हैं। तो 23 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, और 23 प्रकार की ग्रंथियां किन के कारण, किस दोष के कारण विकृत होती है, या तो रोग होता है, या आप लोगों को पता है
और 12 अर्गन हमारे शरीर में है, तो 12 अर्गन हमारे किस कौन से किस दोष के बढ़ने के कारण, विकृति होने के कारण उसके रोग होते हैं, वो भी आपको पता है। जैसे कि 12 अर्गन का यदि खराब होता है तो उसमें वायु दोष है, वायु का उसमें चिकित्सा करना है। यदि आपको ग्रंथि 23 प्रकार की ग्रंथियों का यदि आपको गड़बड़ हो रोग है तो आपको पित्त की चिकित्सा करनी है। तो ये जो है खदिरादि पंचतिक्त घृत जो है ये पित्त का तुरंत शमन करता है, इसका सीधा सा अर्थ है, क्योंकि ये कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है। तो निस्संदेह ये जो है भ्राजव पित्त को भी ठीक करता है, क्योंकि भ्राजव पित्त हम नहीं कह रहे, ये आगे भी लिखा रहेगा रस रत्नाकर में, आगे भी बताया गया है कि भ्राजव पित्त को कैसे ठीक करता है। तो उसमें कहा है कि 8 प्रकार के महा महा कुष्ठ को ठीक करता है, और 23 प्रकार के ग्रंथि के जो विकार है सारे ग्रंथि विकार में ये काम करता है, और साथ में जो गलगंड, गलगंड यानी कि जो गला सूज जाता है ना किसी किसी का, तो गलगंड में ये काम करता है। कर्णमूल शोथ यानी कि कान के नीचे निचले हिस्से में एक प्रकार से सूजन आ जाती है, जो गले में हम लोग कहते हैं। आप लोगों ने मतलब देखा होगा ग्रुप में बहुत सारे लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, कि मेरे बच्चे का उसके मतलब गले में ये सूजन आ गई है, ऐसा बोल के वो फोटो खींच करके भेजते भी है, तो उसे गलगंड या तो गल शोथ के कर्णमूल शोथ कहा जाता है। तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में मान लीजिए कि किसी के शरीर में पूरा शरीर में जलन हो रहा हो, और जलन क्यों हो रही है वो पता नहीं चल रहा है, और आपने यहाँ पे कितने सारे प्रयोग कर लिए, गिलोय का रस भी दे दिया तो भी वहाँ पे परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे खदिरादि पंचतिक्तम घृतम जो है प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम पाएगा। ठीक है, उसके साथ में दाद हो, खाज हो, खुजली हो, कोई घाव को सुखाना हो, डायबिटीज के रोगी भी जो होते हैं ना, प्रमेह के रोगी, तो उनके जो घाव है वो जल्दी सूखते नहीं है और भरता भी नहीं है, तो ये खदिरादि पंचतिक्तम घृतम जो है सेवन करने से, कराने से, तो इसमें आपको बहुत अच्छा ये प्रयोग मतलब मिलता है। और उसके साथ में जो है इसको सेवन करने से केवल ये तो इतना तो होता है और नहीं है, और भी मतलब क्या क्या होता है कि जिसके शरीर में अधिक मात्रा में मतलब जलन होती हो और खुश्की खुश्की लगती हो, खुश्की खुश्की यानी के थोड़ा सा खुजली होता हो, और उसके जब आप थोड़ा सा मतलब खुजला देते हैं तो उसमें से एक प्रकार के रक्त भी निकल जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक तेल है जिसका नाम जो योग है, ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश मध्यम खंड। भाव प्रकाश ग्रंथ जो है जो कि लघु त्रय में आता है, आप लोग को मालूम है, तो भाव प्रकाश के मध्यम खंड में देखेंगे तो ये तेल जो है बताया गया है। तो भाव प्रकाश मध्यम खंड में जो तेल बताया गया है, क्या नाम है उसका, तो नाम है उसका आरोग्य तेलम करके वहां पे भाव प्रकाश में बताया गया है। तो उसके क्या क्या घटक है, तो घटक है अमलता से, अर्धव है, कूट है, हड़ताल है, हड़ताल यहाँ पे शुद्ध नहीं लेना है, अशुद्ध लेना है, और मनसिल भी शुद्ध नहीं कर लेना है, अशुद्ध ही लेना है, हल्दी और दारू हल्दी, ये सबको जो है आपको जैसा तैसा ही लेना है, उसको कोई शुद्ध नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा कूट लेना है और जो कूट कर लेना है, और इसका सबको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके अमलतास, जैसे मान लीजिए कि 20-20 ग्राम लिए तो सब में से 20-20 ग्राम आपको ले लेना है, तो 140 ग्राम हो जाएगा, और 140 को आपको 8 गुना पानी में आपको दे करके आपको पानी देना है, 8 गुना पानी और 4 गुना तेल, तिल का तेल, इसको दे करके जो है आपको लोहे के कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पे आपको पकाना है, तेल को पकाना है, जब उसका झाग निकलना बंद हो जाए और कलछी चलाते रहना है, नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें हड़ताल और मनसिल मिला हुआ है तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे जम जाएगा, यदि आप कलछी नहीं चलाएंगे तो नीचे जो तेल है वो जल जाएगा, वो फिर आपका सारा का सारा आपका नष्ट होगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, आपको कलछी से चलाते रहना है, मतलब उसको कलछी को चलाते रहना है, तो एक ही जगह पे जमेगा नहीं, और धीमी आंच पे तो जो है तेल बहुत अच्छा बढ़िया तेल जो है हल्का सा मतलब थोड़ा सा गुलाबी रंग तो नहीं, जैसे मतलब कैसे होता है, जो कॉफी रंग का जैसे नहीं होता है, मटमेला थोड़ा रंग का, ऐसे रंग का आपको जो है आपको तेल आपको प्राप्त होगा। तो ये वाला आपको मतलब तेल है, इसका नाम है आरोग्य तेलम। आरोग्य यानी कि अमलतास को संस्कृत में आरोग्य कहा जाता है। तो आरोग्य के साथ में धव कोष्ठ हड़ताल मनसिल और हल्दी दारू हल्दी मिला हुआ है, इसके लिए इसका नामकरण किया गया आरोग्य तेलम। तो इसका जो है आपको वहां पे मालिश करना है, जहां जहां आपको भ्राजव पित्त से संबंधित, क्योंकि भ्राजव पित्त को आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी स्नायु 16 कंडरा है, तो उसमें भी आपको स्नायु में दर्द होगा, तो वो दर्द में भी आपको उसको मालिश करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये केवल तो कुष्ठ रोग में ही काम करता है ऐसा नहीं है,
आपको कुष्ठ रोग में काम करता है, ये दांत खाज खुजली में भी काम करता है, साथ में आपका यदि घुटनों का दर्द, कमर में दर्द हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कहीं कहीं पे आप यदि स्नायु का दर्द हो तो स्नायु शूल में भी काम करता है, पेट दर्द होता है पेट में भी काम करता है, नाभि में दर्द हो तो नाभि के दर्द में भी काम करता है, सीने में दर्द हो तो सीने में भी बहुत अच्छा दर्द में काम करता है। ठीक उसी तरह आपको यदि कहीं कहीं पे जो गंडमाला हो जाता है, गंडमाला यानी कि पूरे गले के चारों ओर एकदम से थोड़े थोड़े अर्बुद अर्बुद करके ट्यूमर ट्यूमर जैसा आपको मतलब देखने को बहुत सारा मिल जाएगा, तो उसे गंडमाला कहा जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये परिणाम मिलता है। तो आप उसके मतलब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह और एक तेल है जिसका नाम है भेषज रत्नावली में बताया गया है, ग्रंथ का नाम है भेषज रत्नावली। तो भेषज रत्नावली में देखेंगे कुष्ठ रोगाधिकार में बताया गया है, और तेल का नाम है उन्मत्त तेल। उन्मत्त तेल इसलिए मतलब पड़ा है क्योंकि उन्मत्त उसका उम्र उन्मत्त अर्थात जो धतुरा होता है काला धतुरा, काला धतुरे के बीज को संस्कृत में उन्मत्त कहा जाता है, इसीलिए काला धतुरे के बीज से ये तेल बनता है, इसीलिए इसका नाम जो है उन्मत्त तेल रखा गया है। ठीक है, तो धतुरे के काला धतुरे का बीज लेना है और बीज लेकर के उसको पीस लेना है, चटनी बनानी है, और उसके बाद में जो मानकंद होता है मानकंद का क्षार लेना है, क्षार का पानी के साथ में सरसों के तेल में जो है उसको पकाना है, और पका करके जो है आप उसको रख लेना है। जब ये पक जाएगा मात्रा वही है कि आपको जितना द्रव्य आपको लेना है उसका 8 गुना पानी लेना है और 4 गुना तेल लेना है, बस ये सब में मतलब ध्यान रखना है जहां जहां तेल ये बताया जाएगा। तो इसको धीमी आंच पे लोहे की कढ़ाई में पकाना है, जब ये पक कर तैयार हो जाएगा तो इसको छान करके रखना है। और ये देखेंगे तो जितने जहां जहां हमारे जांग कहीं के जिसके भ्राजपित्त विकृत हो जाता है तो जांघों में दर्द होने लगता है, नाभि के नीचे जो पेट का निचले हिस्सा है वहां पे दर्द होने लगता है, और कभी कभी किसी किसी को बाजुओं में दर्द होने लगता है, बाहों में दर्द होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है, कंधों में भी जकड़ अकड़ जकड़ जो बोलते हैं ना वो भी होने लगता है, और कहीं कहीं किसी किसी का क्या होता है कि पैरों के जो फट जाती है एड़िया फट जाती है, जिसे विपाद विवाही कहते हैं, विवाही में ये बहुत अच्छा ये काम करता है, जिसे संस्कृत में विपादिका ये मतलब नामकरण किया गया है। माधव निदान चरक संहिता आदि ग्रंथ में देखेंगे भेषज रत्नावली में भी तो वहां पर विपादिका ये कहा गया है, और इसको क्षुद्र रोगाधिकार में इसको सभी ग्रंथों में बताया गया है। तो क्षुद्र रोगाधिकार में तो ये तो बताया गया है ये क्षुद्र रोग को भी ठीक करता है, साथ में भ्राज पित्त को भी जहां जहां स्नायु के जनित दुर्बलता है, स्नायु जनित आपको यदि कष्ट हो रहा हो दर्द हो रहा हो या तो स्नायुओं में यदि आपको खुजली हो रही है, आपको कोई चर्म रोग नहीं है, त्वचा का संबंधी कोई रोग नहीं है, परंतु आपको सुखी खुजली हो रही है और कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी कभी किसी किसी को हथेलियों में खुजली होती है, कभी किसी किसी को तलुओं में खुजली होती है, तो हथेलियों की खुजलियों में तलुओं की खुजलियों में ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से, और ज्यादा खर्चा भी नहीं है, काला धतुरे का बीज देख के खोज के लाइए, और मानकंद भी बहुत अच्छा आपको मतलब मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी दुर्लभ मतलब है नहीं, आप मतलब ला सकते हैं कहीं से भी खोज करके, तो इसको ला करके जो है आपको बना लीजिएगा, तो अपने घर पे भी बना सकते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा। ठीक है उसी तरह और एक ग्रंथ का नाम जो है चरक संहिता में चित्र चिकित्सा स्थान में बताया गया है 7वें अध्याय में, तो औषधि का नाम है कनक क्षीर तैलम, ये औषधि का नाम है। कनक क्षीर यानी के कनक यानी के किसको बोलते हैं, जो हमारा जो स्वर्ण क्षीरी होता है जिसे सत्यानाशी कहते हैं उसे स्वर्ण क्षीर भी कहा जाता है संस्कृत में, उसी को कनक क्षीर भी कहा जाता है, कनक क्षीर स्वर्ण स्वर्ण क्षीर सोना क्षीर ऐसा करके उसके बहुत सारे महाराजत क्षीर ऐसे करके उसके नाम है। तो स्वर्ण क्षीर जो इसका मतलब सत्यानाशी है, मनशिला उसे में मिलाया जाता है, भारंगी है, दंती मूल है, दंती फल है, जायफल है, चमेली है, सरसों है, लहसुन है, और वायविडंग है, करंज का छाल है, नीम है, चित्रक है, और अस्पोता है, गुंजा है, अरण मूल है, बड़ी कटेरी, मूली है, तुलसी है, और अर्जक है, और अर्जक का फल है, कूट है, पाठा है, नागरमोथा, तुम्बरू है, मुरबा है, बच्च है, पिपला मूल है, पवाड़ यानी के चक्रमर्द है, इंद्रजोग है, सौजन है, त्रिकुटा है, भिलावा है, नखचिकनी, हरताल, तिरचिटा, और मोयरगिरिया जैसे तुतिया भी कहा जाता है, नीला तोता कहा जाता है, और कमीला है जैसे कंपिलक कामपिलक ऐसा कहा जाता है, गिलोय है, सौराष्ट्री है, और कशिश हीरा कशिश है, दारू हल्दी की छाल है, सज्जी खार है, सेंधा नमन है,
मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से मनशिला है, हरताल है, नीलाथोता है और हीराकशिश है, ये चारों धातु मिला हुआ है खनिज द्रव्य। तो इसके लिए ये जो कनक अक्षर तेल है इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चरक संहिता का ये योग है सप्तम अध्याय के चिकित्सा स्थान का, तो आप इसको प्रयोग में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। और इसको पकाने के लिए क्या है कि 4 गुना गोमूत्र के साथ में 4 गुना सरसों का तेल मिला करके, और इसको जब ये तेल पक जाएगा तो जो कड़वा तुम्बा होता है, कड़वे तुम्बे में उसको 1 महीने तक किसी अंधकार कोठरी में, मतलब जहां पर अंधेरा हो, अंधेरे रूम मतलब कमरा हो, अंधेरे कमरे में कड़वा तुम्बे में भर करके उसको 1 महीने तक रखना होता है। 1 महीने के बाद में उसको निकालना है और निकाल करके जो है इसको मालिश करने के लिए बाह्य प्रयोग में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा चरक जी ने कहा है। तो ये जो बाह्य प्रयोग के लिए मतलब करेंगे तो क्या क्या प्रयोग मतलब आएगा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भ्राजक पित्त के ऊपर काम करेगा, और साथ में जो कृमि होता है, कृमि यानी कि किसी किसी के पेड़ में कीड़े, यकृत में कीड़े, मलद्वार में कीड़े, किसी किसी को सर में भी कीड़े हो जाते हैं, और ऐसे कई सारे जो है उसमें परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रकार के जो कृमि है, कृमि में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जो मंडल कुष्ठ रोग है, मंडल कुष्ठ यानी कि कुष्ठ रोग तो है परंतु मंडलाकार, मतलब एक एक रुपये का सिक्के की तरह पूरे शरीर में उसका पर गोलाकार मंडलाकार जो है कुष्ठ रोग का आपको निशान देखने को मिलेगा, लाल लाल चकत्ते चकत्ते करके आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये परिणाम मिल जाता है। ठीक उसी तरह चरक जी ने कहा है कि ये कंडू में यानी कि खुजली में बहुत अच्छा प्रयोग करता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि भ्राजक पित्त को भी ठीक करता है और रंजक पित्त को भी ठीक करता है। रंजक पित्त यानी कि यदि आपका यदि तिल्ली बढ़ गया है और यदि आपका यकृत में यदि थोड़ा पित्त ज्यादा बढ़ गया है तो फिर आपको मतलब वहां पे क्या करना है, तो पेट में मालिश करनी है। तो जहां पर आपका यकृत और जहां पर तिल्ली है केवल वहां पे मालिश किया करिए दिन में 2-3 बार। तो जहां पर आपका यदि प्लीहा वृद्धि हो, यकृत शोथ हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा ये काम करता है, उसके लिए आपको इसमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे भेषज रत्नावली में और एक योग है जिसका नाम है कंदर्प सार तेल। तो कंदर्प सार तेल नाम से ही पता चल जाता है कि हमारे शरीर को ये कंदर्प जैसा बना देगा, और ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कंदर्प यानी के जो कामदेव होता है कि सारे संसार में वो उससे बड़ा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है, और ये कामदेव जो है ब्रह्मा जी का दामाद है ऐसा कहा जाता है, मतलब ग्रंथों में पुराणों में ऐसा मतलब आख्या दिया गया है। तो जो भी है ये जो कंदर्प है ऐसा कहा जाता है कि इनसे बड़ा मतलब अधिक सुंदर कोई नहीं है। तो इसको भी आप यदि अपने शरीर में मालिश करते हैं तो आप भी जो है आपका शरीर भी कंदर्प जैसा बन जाएगा, इसीलिए इसका नामकरण किया गया कंदर्प सार तेल। तो कंदर्प सार तेल में बहुत मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रव्य मिले हुए हैं, और कुछ खाने के द्रव्य है, कुछ मालिश करने के द्रव्य है, कुछ मतलब कुछ ऐसे विष भी है। क्या क्या है मिला है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा सुन करके। सबसे पहले यहाँ पे सतोना लिया गया जो सप्तपर्ण होता है, तो सप्तपर्ण का छाल लिया गया है, काला निशोथ लिया गया है, गिलोय लिया गया है, नीम लिया गया है, सीरस लिया गया है जो कि विष ना सके। फिर उसके बाद में यवतिक्ता लिया गया है, यवतिक्ता महातिक्ता जिसे वकायन के नाम से जाना जाता है, महानिम। उसके बाद में अरनी है, कड़वी तोरी है, इंद्रायण है, हल्दी है, और उसके बाद में जो है गोमूत्र लेना है 8 सेर यानी कि 8 लीटर लेना है, अमलतास लेना है, भांगरा लेना है, अरनी लेनी है, धतूरा लेना है, हल्दी लेना है, भांग लेना है, चिता लेना है। और मजे की बात ये कि इसमें 2 किलो खजूर मिला हुआ है ये तेल में। खजूर यानी कि जो हम खजूर खाते हैं ना, जैसे छुहारा भी हम लोग बोलते हैं, ये खजूर इसमें मिलाया हुआ है, कितना बढ़िया बात है। और ये खाने का खजूर इसमें तेल जब तेल में मिलाया हुआ है, और वो तेल को जब हम मालिश करेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि आपके शरीर में अपने आप में खजूर का गुण भी मतलब जाएगा। जैसे खजूर बाहर से कितना चमकता है, मतलब कितना तेलीय त्वचा उसका रहता है, बहुत चिकना रहता है, तो आपका त्वचा भी उतना चिकना हो जाएगा और तेलीय हो जाएगा, देखने में भी बड़ा चमकने लगेगा। और उसके बाद में गोबर मिलाया हुआ है, और आपको पता है हमारे भारतवर्ष में जब कभी महिलाएं जब अशुद्ध हो जाती है, मतलब जो उनको मासिक धर्म हो जाता है, आरंभ हो जाता है, तो 3रे दिन के बाद में जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं उनका शुद्ध धन कहा जाता है, और जब उनको मासिक धर्म आ जाता है तो उनको स्नान करने के लिए मना किया जाता है, मतलब निषेध है, वर्जित है, स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल तो ये नियम कोई मानते नहीं है, इसीलिए आज हर किसी का यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ओवरी में सिस्ट हो जाता है, फिर ये अशुद्ध हो जाता है, प्रदर हो जाता है, लिकोरिया हो जाता है। तो हम लोग चिकित्सा तो बताते हैं,
हम लोग औषधि बताते हैं, चिकित्सा बताते हैं, परंतु हम उसको कारण को देखेंगे ना, तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि मासिक धर्म आने के बाद में वो स्नान कर लेती है, ठंडे पानी से या तो गर्म पानी से स्नान कर लेती है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक मतलब 4 दिन न हो जाए, 4 दिन न मतलब आरंभ हो, 4 दिन से पहले, चौथे दिन से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। तो चौथे दिन जब पति सो रहा हो उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा भी मतलब आयुर्वेद में नियम है कि जब पति सोया हो, उठा ना हो, पति से उठने से पहले पत्नी को स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये आयुर्वेद का नियम है। ऐसा क्यों है वो हम पाचक पित्त के अंतर्गत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा लंबी चलेगी, विस्तार से होगा, तो हम उसका कारण रहस्य उसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो चौथे दिन स्नान करेंगी तो सबसे पहले अपने शरीर में गोबर से गोबर मलेगी, गोबर के बाद में क्या फिर करेगी, एक बार से मतलब स्नान करेगी, फिर पूरे शरीर में हल्दी लगाएगी, उसके बाद में उसको स्नान करेगी तो वो शुद्ध स्नान होता है, मतलब उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध होता है। फिर उसको मतलब ये पति के लिए शुद्ध हो जाती है, उसका उसके पूरे परिवार के लिए और किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी अनुष्ठान के लिए, हवन यज्ञ के लिए वो 7वें दिन ही शुद्ध होती है, बाकी संसार के लिए, परंतु अपने पति के लिए 4थे दिन से शुद्ध हो जाती है। तो अनुष्ठान होता है गोमय लगा करके उसके उपरांत जो है स्नान करने के लिए कहा जाता है, और ये गोमय जो है हमारा भ्राजक पित्त को पूरी तरह से ठीक करता है और सुरक्षित रखता है, इसीलिए तो गोमय को बड़ा महत्व दिया गया है, इसीलिए कहा गया कि गोमय वसते लक्ष्मी। तो इसीलिए यहाँ पर गोमय भी मिला हुआ है, गोमय मिला हुआ है, और गोमय कितना है तो 2 किलो मिला हुआ है। फिर उसके बाद में आक का पत्ता, सेहुण का पत्ता और उसके पत्ते का रस 2-2 लीटर मिला हुआ है। उसके बाद में इसका काढ़ा बनाया गया है, और कल्क द्रव्य जो पिसा हुआ है वो इंद्रायण है, बच है, ब्राह्मी है, कड़वे तुम्बी है, चित्रक है, घृत मनशिला मिला हुआ है, हल्दी है, नागर मथा है, पिपला मूल है, अमलतास है, आग का दूध है, कसौंदी है, ईश्वर मूल है, शिवलिंगी है, आचू है, मंजिष्ठा है, महानेम है, इंद्रायण है, और बिछाती तिबिंग है, करंजवा के गिर है, आस्पोतक है, मुरबा है, सतोना है, सीरस है, इंद्रजो है, नीम है, गिलोय है, बाकुची है, और सुमराजी चक्रमर्द है, कुस्तुम्बुरु है, भांगरा है, मुलेठी है, सुपारी है, कुटकी, कपूर कचरी है, दारू हल्दी, निशोत है, पद्माक्ष है, पिपला मूल है, अगरु है, पुष्कर मूल है, कपूर है, कायफल है, जटामानसी है, मुरामानसी, इलायची का बीज है, बांसा है और हरड़ है, ये सब में से 1.5-1.5 तोला लेना है, और ये सब मतलब मिला करके जब तेल बन जाएगा तो ये भ्राजक पित्त को तो ठीक करता ही करता है, साथ में इसके यदि आप देखेंगे तो क्या क्या रोग को ठीक करता है तो आपको तो मतलब आश्चर्य लगेगा। अरे वाह, चरक जी ने इतना सारा मतलब योग मिला करके ऐसा बताया है, बहुत अच्छा योग है। तो क्या क्या उसमें प्रयोग करता है, मतलब इसमें किन किन रोगों में हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, तो इनमें सबसे पहले कहा है चरक जी ने, कहा है कि ये कुष्ठ रोग को ठीक करता है, जो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग है उन सभी कुष्ठ रोग के ऊपर इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ये चरक संहिता का नहीं, भेषज रत्नावली का है, मैंने कल चरक संहिता बोल दिया, चरक संहिता का तो वो तो कनक अक्षर तेल है, ये भेषज रत्नावली का योग है। तो ये 18 प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करता है, और साथ में जो 23 प्रकार के जो ग्रंथियां है उन सभी ग्रंथियों को ठीक करता है। तो जिनको थायराइड की भी ग्रंथि है ना, थायराइड में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसी तरह कहा जाता है कि जो अस्थिगत और मज्जागत और स्नायुगत जितने सारे वात रोग है उन सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है, और जिनको जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता उन जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, और जहां जहां मांस बढ़ गया हो, मतलब नाक में मांस बढ़ गया हो, लिंग में मांस बढ़ गया हो, मलद्वार में मांस बढ़ गया हो, और इसमें योनि में मांस बढ़ गया हो, जिसे मस्सा कहते हैं और अर्स कहते हैं, अर्स बलि कहते हैं ना, अर्सांकुर अर्स बलि। तो आज सुबह में किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मतलब अर्स बलि को ठीक करने के लिए कोई ऐसा योग होता अच्छा योग मतलब दीजिएगा, हम लोग तो प्रयोग करते हैं, और कोई अच्छा प्रयोग हो तो बताइएगा। तो ऐसे तो कई सारे योग तो है आयुर्वेद ग्रंथों में, तो आज भी मतलब ऐसे देखेंगे तो भ्राजक पित्त में ये कंदर्व सार भी तेल आ गया निकल करके, तो आप लोग इसको बनाएंगे तो भ्राजक पित्त को भी ठीक करेगा, और अर्श के बलि को भी ठीक करने में, मत्स्य को गायब करने में भी ये बहुत अच्छा प्रयोग करता है। ऐसे तो बिल्ली का हड्डी, मोर का हड्डी और गाय का हड्डी, जो जो मतलब प्राणियों का मतलब हड्डी आपको मिल जाए, कोई भी हड्डी हो, उसको यदि आपको मतलब घिस करके भी लगाते हैं पानी से, तो भी अर्श के जो मत्स्य है बलि है उसको गिरा देता है, ऐसा मतलब अनुभव सिद्ध है, आप अनुभव युक्त है, आप प्रयोग में कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जहां जहां
नाक नाक कान और मुंह यदि विकृत हो गया हो, नाक कान मुंह और विकृत हो गया, अर्थ है कि किसी किसी का देखेंगे जन्म से नाक इनका सीधा होता है लेकिन जवानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हड्डी बढ़ जाने के कारण या तो साइनस साइनोसाइटिस के कारण उनका नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये तेल को प्रतिदिन नाक में दिन में 2 बार 3 बार 4 बार मालिश करेंगे तो नाक जो जो टेढ़ा हो गया है वो सीधा हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी कभी किसी किसी को क्या होता है कान में सुनाई कम देने पड़ता है, और बचपन में तो बहुत अच्छा सुनाई देता है लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे फिर सुनाई देना कम पड़ता है। तो इसको बाहर कान के ऊपरी हिस्से में, कान के आसपास बाहरी त्वचा में इसको केवल मालिश करना है तो इसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। उसके बाद में मुंह का विकृत हो जाना, मुंह का विकृत हो जाना अर्थात मुंह कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जिसे अर्धित्ववाद या तो फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मेढक होता है ना मेढक, तो मेढक में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। मेढक की जो त्वचा होती है तो मेढक की त्वचा के समान यदि किसी किसी को रोगी को यदि आपको देखने को मिल जाए तो उसमें भी ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। साथ में जो सफेद दाग है सफेद दाग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लाल लाल जो दाग दाग हो जाते हैं उसमें भी काम करता है। विपादिका यानी कि पैरों में जो एड़ी जो फट जाती है उसमें भी ये काम करता है। और जो एक्जिमा हो जाती है, एक्जिमा जल्दी ठीक नहीं होता उसमें भी काम करता है, नीली रोगी में ठीक करता है। और कभी कभी किसी किसी को क्या होता है वेरिकोसिल हो जाता है, अंग्रेजी का जो रोग है वेरिकोसिल मतलब आपको किसी किसी को जो क्या बोलते हैं उसको जो वृषण बोलते हैं, पुरुषों में जो वृषण होता है एक वृषण का पता ना लगना या तो ऊपर की ओर होना या तो फिर एक ऊपर एक नीचे रहना या तो एक को ही देखना दूसरा ना दिखना ना दिखाई देना तो उसे वेरिकोसिल कहा जाता है। या तो कभी कभी कैसे क्या होता है कि हाइड्रोसेल भी हो जाता है मतलब उसमें वृद्धि रोग हो जाता है मतलब एक में सूजन आ जाता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम क्रिकेट में खेल रहे थे एक बॉल ला करके गेंद गेंद लग गया तो उसके बाद में ये सूजन है। तो जो भी ये कारण हो तो आपको जहां पर भी मतलब हाइड्रोसिल हो या तो वेरिकोसिल हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको केवल मालिश करना है। और उसके साथ में जो है विस्फोटक में ठीक करता है मतलब यदि आपके शरीर में कहीं कहीं यदि कोई घाव है भरता नहीं है तो उसको भी ठीक करता है। और दाद खाज खुजले में भी बहुत अच्छा काम करता है। और लाल लाल चकत्ते जो पड़ जाता है उसमें भी काम करता है। और गलगंडे में भी काम करता है, गंडमाला में भी काम करता है, बवासीर में भी काम करता है, भगंदर में भी काम करता है। और अर्बुद, अर्बुद कहीं पर भी अर्बुद हो, अर्बुद मतलब होता है ना तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और एक होता है जिसे लाइपोमा कहते हैं, लाइपोमा में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको ऊपर से केवल मालिश करना होता है हल्का गुनगुना करके। और साथ में आपको पता है कि आजकल स्त्रियों में महिलाओं में अधिकतर जो है रसौली की बड़ी समस्या आ रही है, रसौली जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड बढ़ जाना मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इसको जो है इसके बस्ते देना होता है, कंदर्प सार तेल की यदि आप बस्ते देंगे और बृहत अश्वगंधादि तेल 50 ml, कंदर्प सार तेल 50 ml दोनों को मिला करके इसको बस्ते देना है। और साथ में इसके जो भी औषधि है अर्बुदहर रस है, अर्बुदनाशन रस है, अर्बुदनाशनी गुटिका है आदि जितने सारे मतलब जैसे कांचनार गुगुल है, वृद्धिवादिका पट्टी है, नित्यानंद रस है और इसमें सुतिका विनोद रस है, सुतिका वल्ली रस है, सुतिका हर रस है, सुतिका भरण रस है, ये सब जितने सारे स्त्री रोग है सुतिका जनित रोग के औषधियां है वो सब उसमें मिला करके प्रयोग करेंगे। कोई ना कोई औषधि आप 3-4 को चयन करके तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। परंतु ये ध्यान रखें कि आपको दसमलर का काढ़ा अजवाइन के साथ में देना कभी मत भूलिएगा, गोमूत्र के साथ में, तो बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह ये कहते हैं कि चाहे कोई भी प्रकार का मतलब वातज भ्राजक पित्त हो, मतलब भ्राजक पित्त में वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ जाता है, तो भ्राजक पित्त विकृत होने के बाद में यदि आपको वात वात रोग हुआ, पित्त रोग हुआ, कफ रोग हुआ, तो कोई भी दोष हो, कोई भी मतलब रोग हो आपको मतलब हुआ भ्राजक पित्त विकृत जन्य, तो उसमें तेल के मालिश करने से ये आपको बहुत अच्छा ये परिणाम देता है, तो इसमें आपको मतलब मालिश कर सकते हैं। ठीक उसी तरह चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में सप्तम अध्याय में देखेंगे एक तेल और बताया गया है जिसका नाम है करवीर तेल। तो करवीर तेल मतलब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, मतलब चरक संहिता में ही देखेंगे तो 2 प्रकार का करवीर तेल वहां पे बताया गया है। और साथ में भैषज रत्नावली में एक अलग से करवीर तेल बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे करवीर तेल है ना, 3-3 प्रकार का करवीर तेल आपको देखने को मिलेगा। और करवीराध्य तेल करके आपको भैषज रत्नावली में और योग रत्नाकर में ऐसे 2 ग्रंथ में और आपको मिलेगा। परंतु करवीर तेल और करवीराध्य तेल
दोनों में, और ये पांच प्रकार का जो है सबके घटक अलग अलग है, और ये पांचों प्रकार के, पांचों प्रकार का जो है सभी प्रकार मतलब भ्राजो पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कर्वीर तेल जो है सबसे पहले चरक संहिता में बताया गया है, और दूसरा भी जो है वो चरक संहिता में ही बताया गया है, और योग रत्नाकर में भी बताया गया है, और तीसरा जो कर्वीर तेल है वो भैषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में बताया गया है, और चौथा जो है वो नासा रोगाधिकार में बताया गया है भैषज रत्नावली में, वो भी भाजपा पित्त को ही ठीक करता है, और पांचवा जो है कर्वीराद्य तेल वो योग रत्ता कर्म में बताया गया है और भगंदर चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है, मतलब भगंदर रोग में जो चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है, परंतु वो भगंदर चिकित्सा में बताया गया है तो आप लोग ये ना सोचे कि वो तो भगंदर के लिए बताया है, ये भ्राजो पित्त के लिए बता रहे सत्यवान जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का जो औषधि हो ना, एक एक औषधि कई कई रोगों के ऊपर, कई कई मतलब लक्षणों के आधार पर भी, कई लक्षण के आधार पर तो चिकित्सा होती नहीं है, कई कई कारणों के आधार पर देखेंगे ना तो बहुत सारे रोगों में ये काम कर जाता है, ये आयुर्वेद की औषधि का, आयुर्वेद का सूत्र का, या आयुर्वेद का चिकित्सा का ये विशेषत्व है, ये इसकी विशेषता है। तो ये था आज, मैंने बहुत सारा आपको मतलब बताया है, और आशा करता हूँ, हाँ मुझे दो तीन आसन मतलब याद आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक आसव है जो कि गद्य निग्रह में बताया गया है, आर्त आसव का नाम है आवर्तकाद्यासव, ये आवर्तकाद्यासव जो है ना ये भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है, आप इसको प्रयोग में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ये आपको आवर्तकाद्यासव मतलब ये तो मैंने नाम आपको बता दिया क्योंकि ये शास्त्रों में है, कभी कभी क्या होता है कि हम शास्त्रों के आधार पर कोई नाम बता देते हैं तो रोगी बोलते हैं वो मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, और कोई किसी मेडिकल किसी प्रोफेसर के पास चले जाते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर या तो बीएमएस डॉक्टर के पास में, बोलते हैं ये ऐसे कोई कोई औषधि है ही नहीं, वो पूरा ना ही बोल देते हैं कि ये तो औषधि आता ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, किसने बताया तुमको ये, मतलब कोई जो भी आया वो मुंह में बता दिया होगा ऐसा कोई औषधि है आता नहीं है, तो फिर वो क्योंकि रोगी तो आयुर्वेद ग्रंथ नहीं पढ़ते तो वहां पर ये दिक्कत हो जाती है। तो ग्रंथ का नाम है गद निग्रह, ये ध्यान से सुनिएगा, गद निग्रह में आवर्तकाद्यासव करके एक औषधि बताया गया है, उसमें सनाय का जड़ 40 तोला लेने के लिए कहा है, एलवा 1.5 तोला, 7 तोला, रुमी मस्तकी 2.5 तोला, रेवंचिनी 2.5 तोला, सबको मतलब जो है 3200 पानी में मिला करके संधान करके 3 दिन तक जो है छोड़ देना है, और 3 दिन के बाद में उसको छान करके निकाल लेना है, और प्रातः काल सायंकाल 10 तोले की मात्रा में दिन में 2 बार खाली पेट में 2 मास तक सेवन करने के लिए कहा गया है। तो ये क्या होगा ना, आपका जो भ्राजो पित्त विकृत है वो भ्राजो पित्त को ठीक कर देगा, सीधी से एक ही बात में उन्होंने बता दिया है। तो आप लोग इसको मतलब प्रयोग में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये परिणाम देगा ही देगा। तो इसको कितना दिन लेना है, लेने के लिए कहा है तो 2 महीने लेने के लिए इसको मतलब उसमें कहा है, तो आप इसको 2 महीना जो है आप इसको ले सकते हैं, तो इसको निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह कनका सब करके एक औषधि है, आप लोग को मालूम है, तो एक कनका सब भी है और दूसरा कनका रिष्ट भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनका सब, तो कनका सब किसमें बताया है, तो भैषज रत्नावली में बताया गया है, तो भैषज रत्नावली में देखेंगे कनका सब तो वो हिचकी रोग को ठीक करने के लिए बताया गया है, क्योंकि मैंने कनका सब बता दिया और आप किसी बीएमएस डॉक्टर के पास चले गए, प्रोफेसर के पास में, वो बोलेगा ये किसमें बताया है, तो भैषज रत्नावली में बताया है, तो भैषज रत्नावली में देखेंगे तो हिक का रोगाधिकार में बताया है, तो बोलेगा अरे ये तो हिक का रोगाधिकार में बताया है और ये हिचकी को ठीक करता है, ये भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए कहाँ से कैसे बता दिया उसने ये, परंतु देखने जाएंगे ये तो हिचकी को ठीक करने के लिए भैषज रत्नावली में बताया है, श्वास रोग को भी ठीक करता है, खांसी को भी ठीक करता है, फेफड़े को भी ये बल देता है, मजबूती देता है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, कष्ट होता हो उनको भी ठीक करता है, और जिनको दिन भर में खांसी नहीं आती लेकिन रात को ज्यादा खांसी होती है तो उसको भी ये ठीक करता है, जिनको कुछ दौड़ते हैं या तो पहाड़ चढ़ते हैं तो जिनको सांस फूलती है तो उसमें भी ये काम करता है, किसी किसी को मतलब भोजन करने पर खांसी आती है तो उसमें भी ये कनका सब बहुत अच्छा काम करता है, किसी किसी को भोजन करने के बाद में हल्का सा पेट में दर्द होता है और छाती में दर्द होने लगता है और सांस फूलने लगता है तो उसमें भी ये कनका सब बहुत अच्छा काम करता है। तो मात्रा कितनी में लेनी है, तो 5-5 तोले की मात्रा में लेना है एक साथ में, और 5-5 तोले के मात्रा में लेकर के आपको सेवन करना है। यदि आपको जो बोलते हैं कि मेरा दिन ब दिन वजन कम होता जा रहा है तो आप एक बार वो हिचकी वाला जो कनका सब है आप उसका सेवन करिए, तो और जो बोलते हैं कि मेरा वजन तो मतलब कम हो रहा है, साथ में जो है मुझे कभी कभी मेरे जब मैं जाता हूँ शौच के लिए तो मेरे मल के साथ में जो है रक्त गिरता है,
मतलब जैसे किसी को रक्तार सो गया हो, ऐसा मल के साथ में रक्त गिरता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आप प्रयोग करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, अरे वाह ऐसा भी काम करता है, एक एक औषधि इतने सारे रोगों के ऊपर मतलब आधारित काम करता है, तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो ये तो हो गया कनकासव। अभी बात करते हैं कनकारिष्ट के ऊपर। कनकारिष्ट जो है आपको चरक संहिता में ही मतलब मिलेगा, और चरक संहिता में चतुर्थ 14 अध्याय में चिकित्सा मतलब स्थान में आपको मतलब मिलेगा, ये कनकारिष्ट उसमें मतलब बताया गया है। तो चरक संहिता में जो बताया गया है इसको मतलब प्रयोग करने से क्या होता है कि अर्श रोग को ठीक करता है, हृदय रोग को ठीक करता है, ग्रहणी में भी काम करता है, पेट में यदि अफारा हो तो उसमें भी काम करता है, ज्वर को ठीक करता है, जिनके शरीर में रक्त की कमी है उसको ही ठीक करता है, यदि आपके शरीर में सूजन है तो उसको ठीक करता है, वायु का गोला बनता हो पेट में उसको ठीक करता है, और जिनको मल निकल करके नहीं आता उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और किसी किसी का अपान वायु पेट में गैस बनता ही रहता है, बनता रहता है, और शौच के लिए जाते हैं तो बहुत जोर से आवाज के साथ में मल निकलता है, तो उसमें भी ये कनकारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। और जिसको अधिक मात्रा में बार 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 जो है नाक बंद हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उसमें कनकारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। उसमें कनकासव काम नहीं करता, कनकारिष्ट काम करता है। और कनकारिष्ट कौन सा वाला, जो चरक संहिता में बताया गया उसके घटक के अनुसार, और सबके घटक अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग है। आप नाम से मत जाइए कि मतलब ये तो नाम वही है, उसमें भी नाम वही है, परंतु नाम उसमें एक ही हो सकता है, परंतु उसके घटक और इसके घटक दोनों के घटक अलग अलग है, तो उसके लाभ भी आपको अलग अलग मिलेगा और उसके परिणाम भी आपको अलग अलग मिलेगा, और सबके जो परिणाम है उसकी मात्रा करने की जो विधि है, सेवन विधि, सबके अलग अलग है, पृथक पृथक है, इसलिए नाम से नाम मैच हो रहा है, नाम मेल खा रहा है, तो नाम से मत जाइएगा। फिर उसके बाद में जो है ऐसा कहा जाता है, यदि कनकारिष्ट जो चरक संहिता का कनकारिष्ट यदि आप सेवन करेंगे, इसमें लिखा है चरक जी ने कि यदि इसको 12 वर्ष तक सेवन करेंगे तो जिनके बाल उड़ गए हैं मतलब गंजापन आ गया है तो बाल वापस आ जाएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे, चरक जी कह रहे, तो चरक जी कह रहे तो अवश्य आता ही होगा, इसको तो परीक्षा में इसको अनुसंधान करने का विषय है, तो मतलब परीक्षा करने चाहिए, तो इसको अभी हम मतलब इसको बनाएंगे और बना करके जितने सारे गंद लोग हैं सबको पिलाएंगे, तो 12 वर्ष तक तो पिलाने के बाद में देखते हैं बाल आता है कि नहीं वापस, मतलब केवल सेवन करना है, इसमें तेल कुछ लगाना नहीं है, कुछ लगाने के लिए नहीं कहा है, केवल इसको सेवन करना है, तो सेवन करने से इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें क्या क्या है तो देखें कि कूटे हुए नया आमला मतलब नवस्या आमले का से एकम मतलब कहा गया, मतलब 6.5 किलो लेना है, वाइबिडंग पिपली और काली मिर्च 20-20 तोला लेना है, पाठा पिपली मूल सुपारी चब्य चित्रक मंजिष्ठा एलुआ लोध 5-5 तोला लेना है, कुठ दारू हल्दी देवदारू सारिवा कृष्ण सारिवा इंद्रजव नागरमोथा 2.5-2.5 तोले लेने हैं, और नाग केसर 20 तोले लेना है, सबको 64 लीटर पानी में पकाना है, जब 16 लीटर बचे तो उसको जो है छान करके ठंडा होने दे, और उसमें जो है मुनक्का का काढ़ा 16 लीटर, और फिर उसमें उत्तम खांड 12.5 किलो, और नया शहद 1 किलो, दालचीनी इलायची नागरमोथा तेजपत्ता सुगंध वाला और उसीर सुपारी नाग केसर सब में से 1.5-1.5 तोला लेना है, सबका के उसको रख लेना है, और रखने से पहले जिसमें आप रखेंगे उस बर्तन को सबसे पहले घी से चुपड़ देना है, मतलब घी लगा देना है पूरे बर्तन के चारों ओर अंदर, और घी मिला घी लगाने के बाद में ये सारा मतलब जो उसका काढ़ा 16 लीटर है 16 लीटर, और उसको जो खांड खांड उसके साथ में शहद और ये दालचीनी इलायची नागरमोथा तेजपत्ता सुगंध वाला उसीर सुपारी नागकेसर और ये जो मिला हुआ इसमें डाल देना है, और अग्रो से धूपित बर्तन में संधान करके 15 दिन तक छोड़ देना है, 16वें दिन बाद में उसको निकाल करके ऊपर से नितार लेना है, नितार करके जो उसको रखना है, बस ये कनकारिष्ट है, इसको ये रस में बड़ा मधुर लगता है, स्वाद में बड़ा स्वादिष्ट है, और ये रुचिकर है, भोजन को भी पकाता है, अग्नि को मंद को यदि दूर करता है, अजीर्ण को दूर करता है, और भूख को बढ़ाता है, और शरीर में बल भी लाता है, और बलिपलित यानी के जो जल्दी बुढ़ापा दिखता हो मतलब कम आयु में अधिक आयु वाला दिखता हो, जैसे मान लीजिए किसी का आयु 25 है और दिख रहा हो 40 जैसा, तो उसको सेवन करने बाद में 25 का 25 ही दिखने लगेगा, ऐसा चरक जी ने कहा है, तो इसको सेवन करना चाहिए हर किसी को, तो बहुत अच्छा है औषधि। उसके बाद में एक गद निग्रह में 6ठे अध्याय में कनकारिष्ट करके दूसरा योग है, तो उसमें क्या है कि खदीर सार लेना है 32 किलो, त्रिफला त्रिकोटा हल्दी निर्मली दालचीनी सोमराजी गिलोय बाइबडंग सब में से 5-5 तोला लेना है, शहद 25 किलो और धाय का फूल का चूर्ण जो है आधा शेर लेना है,
सबको घी से मिले हुए चिकने किए हुए मिट्टी के घड़े में भर करके एक महीने तक छोड़ देना है, और एक महीने के बाद में उसको छान करके निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको निकाल करके केवल प्रातःकाल इसको सेवन करना है और 1 से 2 महीने तक सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें कहा है कि सबसे पहले शरीर का सूजन उतर जाता है, भ्राज पित्त को ठीक करता है, कफज प्रमेह पित्तज प्रमेह को ठीक करता है, खांसी कैसे भी हो उसमें ठीक करता है, श्वास रोग को ठीक करता है, कहीं भी शरीर में मस्से हो, नाक में हो, कान में हो, लिंग में हो, योनि में हो, मल द्वार में हो, मूत्र द्वार में हो, कहीं पर भी मस्से हो उसको निकाल देता है, ठीक करता है, अर्श को ठीक करता है, भगंदर को ठीक करता है, और शरीर को मोगरे की तरह सुगंधदार बना देता है। सुगंधदार यानी कि जैसे मोगरे का फूल होता है ना, कितना खुशबूदार महक होता है, उसको पूरा शरीर को भी पूरा महकित कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो ये बहुत अच्छा औषधि आपको, हमें लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और क्या बताऊं, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात याद आ गया कि गद निग्रह में और एक औषधि है खदिरा रिष्ट, तो खदिरा रिष्ट भी आप इसको प्रयोग करेंगे तो अभी आपको परिणाम मिलेगा। और एक गद निग्रह में दूसरा औषधि खदिरा सव, तो खदिरा रिष्ट हो या तो खदिरा सव हो, तो दोनों ही औषधि जो है आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा ये भ्राज पित्त को ठीक करने के लिए। ऐसे तो भ्राज पित्त को ठीक करने के लिए अभी तो कई सारे औषधि है, ऐसा मान लीजिए कि अभी केवल अभी हमने है ना 20% ही बताया है, अभी 80% और बताना बाकी है। तो अभी तो 9:30 मतलब 9:45 बजने आ रहे हैं, तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग का यदि किसी का कोई शंका हो तो निसंदेह उपस्थापना करें, हम आपके शंका को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो बाकी और भी जो भ्राज पित्त को ठीक करने वाले जो औषधियाँ है, हम अगले सत्र में फिर से उसको चर्चा करेंगे। राम वैद्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते राम राम। वैद्य जी, एक आपने आरंभ में एक योग बताया था गोबर लेने को, गोबर लेने की विधि। आपने कहा कि गोबर लेने के लिए गोबर हाथ में आना चाहिए, जमीन में नहीं जाना चाहिए, या किसी बर्तन में ले या हाथ में ले, तो वो जमीन में सट गया तो काम नहीं करेगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, जो कि जब गोबर जमीन में जाएगा तो क्यों नहीं काम करता, इसके पीछे का क्या रहस्य? हाँ, उसमें ऐसा है, गोबर जब जमीन में स्पर्श हो जाता है तो जमीन के अंदर जो है तुरंत, मतलब गोमय वो जमीन के अंदर, मतलब जमीन खींच लेती है माध्यकर्षण शक्ति के द्वारा। आवाज थोड़ी कट गई जी, आवाज थोड़ी कट गई। ठीक है, मैं पुनः बता देता हूँ। मतलब आप सबको पता है कि धरती में माध्यकर्षण शक्ति होती है, और जमीन में जो भी कुछ गिरता है वो तुरंत जो है अपने, मतलब उसका जो गुण है वो अपने में समा जाती है, समा लेता है, और अपना जो गुण है वो दूसरे में समा देता है, समावर्तन कहा जाता है, इसे समावर्तन प्रक्रिया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे गोमय जब धरती में स्पर्श होगा तो धरती के जो धरती में मिट्टी में जो पित्त रहता है, पित्त इसलिए रहता है क्योंकि प्रतिदिन सूर्य का धूप मिट्टी में पड़ता है, तो सूर्य का धूप में क्या होता है, गर्मी, पित्त होता है, तो पित्त मिट्टी में ऊपर रहता है। जैसे गोबर धरती पे गिरेगा वो पित्त जो है गोमय में आ जाएगा, और गोमय का जो गुण है वो मिट्टी में चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम राजा पित्त रंजक पित्त के ऊपर चर्चा कर रहे थे रंजक पित्त में, तो पवित्रता के आधार पर वहां पे बताया था कि गोमय से लेपन से जो है धरती शुद्ध हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, वास्तु सिद्ध होता है, ये आपको पहले मतलब बताया था, याद भी होगा। ठीक है, तो वो पित्त जो है, और यहाँ पे क्या क्या जो हम आज जो हमने सिद्धयोग में बताया था वो रक्त पित्त को ठीक करने के लिए, रक्त पित्त को ठीक करने का अर्थ रक्त में पित्त की मात्रा अधिक बढ़ गई है, तो हमें पित्त को यहाँ पे चिकित्सा करनी है, पित्त को समन करना है। और यहाँ पे जमीन में गिरा हुआ यदि गोबर लेंगे तो उसमें पित्त मिला हुआ है, तो फिर उसमें पित्त को समन क्या करेगा, वो पित्त को फिर ज्यों का त्यों ही रखेगा। इसीलिए धरती में गिरने से पहले ले लेंगे तो उसमें पित्त नहीं मिलेगा, पित्त मिला हुआ नहीं होगा, और उसमें कफ का गुण आपको अधिक मात्रा में मिलेगा, यही उसका रहस्य है। जी जी धन्यवाद। अच्छा, एक जगह वैद्य जी आपने कहा कि जो जांघ का दर्द होता है उसमें आपने उसमें शायद भ्राजक पित्त का आपने कुछ बताया कि कारण है, कि कोई बात बात बताया था। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि जो उरु स्तंभ रोग है क्या उसमें भ्राजक पित्त का रोल है, कि भ्राजक पित्त विकृत होने के कारण से उरु स्तंभ होता है? भ्राजक पित्त का रोल नहीं है, क्योंकि जो उरु स्तंभ होता है उसमें स्नायु रहता है, परंतु स्नायु के अतिरिक्त और भी अन्य अन्य मतलब उसमें है, जैसे कि मतलब सिरा है, प्रसिरा है, और उसमें जो अन्य अन्य तंत्र है उसमें मुख्य रूप से उसमें वो विकृत होती है, तो इसमें भ्राजक पित्त का रोल नहीं है उरु स्तंभ में।
क्योंकि भ्राजपित्त में आप देखेंगे 16 रोचन की यहाँ पे है, हमने चर्चा किया था, जो कि आपको उसके प्रमाण चाहिए तो सारंगधर संहिता में पूरा का पूरा प्रमाण मिल जाएगा, और भाव प्रकाश में कुछ कुछ प्रमाण मिलेंगे, सारंगधर संहिता के आपको पूरा का पूरा आपको प्रमाण मिल जाएगा जो कि हमारा सत्र में चर्चा हुआ है। भाव प्रकाश में थोड़े थोड़े पे ले गए, और कुछ आपको सुश्रुत संहिता में, कुछ जो है आपको चरक संहिता में, ऐसे हमने सभी ग्रंथों का सार निकाल करके उसका एकदम से जो है हमने भ्राजपित्त के विषय में चर्चा किया था। आप लोग को सबको पता है जो आरंभ से रहे हैं, तो भ्राजपित्त में 6 प्रकार का रोचन का चिकित्सा किया जाता है औषधि के माध्यम से, और जो बाकी अन्य जो शेष 10 रोचन बच जाते हैं उनको पंचकर्म की चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जाता है। आप लोग को याद आया होगा जी, ठीक है, परंतु उरुस्तंभ रोग जब हो जाता है तो उसमें पंचकर्म की चिकित्सा किया ही नहीं जाता, क्योंकि उरुस्तंभ रोग में यदि पंचकर्म चिकित्सा करेंगे तो रोग बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दर्द हो रहा है तो तेल आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है दर्द को कम करने के लिए, परंतु यदि किसी को आम बात है तो तेल मालिश करने से उसका रोग और बढ़ जाएगा, ऐसा होता है ना आम बात में। तो आम बात में तेल मालिश करने के लिए सख्त मना किया गया है कि आम बात यदि आपको पता चले तो आपको तेल मालिश नहीं करनी है। ठीक उसी तरह यदि किसी को उरुस्तंभ है तो वहां पर पंचकर्म की चिकित्सा बिल्कुल ही नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए क्योंकि वो भ्राजपित्त के अंतर्गत ही नहीं आते, वो स्वतंत्र रोग है और वो वात रोग के अंतर्गत ही आते हैं। वात रोग के अंतर्गत तो आए हैं परंतु वहां पर जो है वो वायु स्तंभित हो जाती है, इसीलिए उरु को स्तंभित कर देता है, इसीलिए उसका रोग का नाम ही उरुस्तंभ है। जी धन्यवाद जी। राम राम गुरु जी। हाँ जी राम राम जी, जो बता रहे थे कि जो मासिक धर्म चौथे दिन जब स्नान करते हैं हाँ, तो उसमें जो गोबर से स्नान करते हैं तो गोबर किस तरह से लेना चाहिए, वो मतलब कि जमीन में नहीं गिरने देना है या उस दिन जैसे कि पति को सोने से पहले उठकर उससे स्नान करना है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे जमीन में गिरा हुआ गोबर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो जमीन से गिरने से पहले जो औषधि मतलब गोमय है वो कहीं जी कहीं पर जो नियम लागू है वहां पर ही लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होता है। आप ये नियम को हर जगह लागू करेंगे फिर आपको गोमय से जहां जहां प्रयोग करने के लिए कहा गया है तो हर जगह आप इसका प्रयोग मतलब नहीं कर सकते, इसको परिणाम नहीं कर सकते। जी तो उसे पहले से इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ना गोबर? पहले से इकट्ठा क्यों करना है, आपके घर में गांव मतलब गाय नहीं है, आपके घर में गली में मोहल्ले में गाय नहीं है? जी है, तो जैसे उतना सुबह जल्दी उठकर तुरंत लेकर उसके बाद स्नान करना है? हाँ, जी क्योंकि ताजा गोबर से तो आपको स्नान करना है ना। जी 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 यहाँ पे शंका दूर करिएगा, जो गोबर अर्थात यहाँ पे समझ में आ रही है कि गोबर जमीन में जो ना गिरे वो गोबर तब लेना चाहिए जहाँ पे मुझे लगता है कि वैसी औषधि बनाना जहाँ पे पित्त शामक औषध बनाना हो, जहाँ पे पित्त का शमन करना हो, तो हमें लगता है कि वह जो गोबर है जमीन में गिरे हुए बिना वाला लेना है, मतलब कि जमीन में ना सकना चाहिए, क्या यही कारण है? जी 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 अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। वैद्य जी मेरा एक सवाल है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, शरीर में वाट पित्त कफ का जो बैलेंस रहता है वो कैसे ये कर सकते हैं, हम जान सकते हैं? आपकी आपकी आवाज एक कट कट के आ रही है, दूसरा धीमी आ रही है, आप जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, साफ समझ अभी आ रही, अभी आ रही, हाँ अभी तो आ रही है। हाँ, शरीर में जो वाट पित्त कफ है उसका बैलेंस कैसे ये कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि क्या ज्यादा कम है? ज्यादा कम है कैसे जान सकते हैं? हाँ मतलब शरीर में तो रहता है 3 वाट पित्त कफ, तो अगर किसी कारणवश उनका संतुलन बिगड़ जाए उसको कैसे हाँ जान सकते हैं, वो मुझे जानना है। हाँ सीधा सा सब मतलब है, यदि आपके शरीर में यदि कफ यदि बढ़ गया है तो आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी मतलब होगा, कफ मतलब भारीपन लगेगा शरीर में। आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है तो आपका दूसरे दिन पेशाब में पीलापन आ जाएगा, पहला पेशाब में, तो आप जान सकते हैं कि मेरे शरीर में पित्त बढ़ गया है। यदि आपके शरीर में वायु बढ़ गया है तो दूसरे दिन आपको पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, मल आपको मतलब खुल करके नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा,
तो समझ लीजिएगा कि मेरे शरीर में वात बढ़ा है, इसके आधार पर आपको तुरंत समन कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जी राम राम, स्वागत है आपका। ठीक है, तो अभी और एक हम सवाल, शांति पाठ। हाँ पूछिए। आपने जो ये कुछ अभी बताया अराजक पित्त, ये आपका कोई ये है क्या, हाँ उत्पाद है क्या, क्या है क्या जी, आपने कोई उत्पाद वगैरह बनाया क्या आयुर्वेद से ऐसा कि जो हम सेवन कर सकते हैं? क्या समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, आपने कोई उत्पाद बनाया है क्या ऐसा, जैसे बाकी लोग बनाते हैं तो वो हम लेके आपसे किसी सेवन कर सकते हो रोज, जिससे हमारे शरीर को फायदा हो। अच्छा औषधि की बात कर रहे हैं, हाँ, औषधि। तो औषधि आप अपने आसपास मतलब वैद्यों से संपर्क करिए, वही अच्छा है ना। कैसा कि हाँ भाई जी, एक हाँ सवाल है बोलिए। जी, श्वास रोग में कनकासव लेना अच्छा है या कनकारिष्ट लेना अच्छा है, जैसा अस्थमा एलर्जी में? जी यदि अस्थमा यदि एलर्जी हो तो आप कनकासव लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जी, और बाजार में जो मिलता है वो कनकासव ही मिलता है, कनकारिष्ट तो हमने कहीं देखा नहीं, किसी कंपनी का आता हो जी, कनकासव ही आता है। चिकन का सो ही मिलता है, राइट। जी जी प्रणाम। जी राम राम। वैद्य ठीक जी, है सर। क्या ऐसा है कि जहाँ पे कफ 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 बढ़ाना होता है तो वहाँ पे क्या आसव वाला लेते हैं, जहाँ पे कफ आदि को समन करना हो अरिष्ट वाला लेते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, आप आसव लीजिए या अरिष्ट लीजिए, दोनों में दोनों की स्थिति में कफ बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि आप तरल वाला लेंगे तो कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परंतु वो तो द्रव्य गुणों के आधार पर निश्चित होती है, वो जो जो द्रव्य उसमें मिलाया हुआ है वो किस किस वो द्रव्य गुणों के आधार पर निश्चित होती है कि कौन सा औषधि किसको ठीक करता है, कौन सा दोष को बढ़ाता है, कौन से दोष को समन करता है, तो उसके आधार पर निश्चित होती है। अच्छा, क्या आसव और अरिष्ट दोनों उष्ण होता है या कोई थोड़ा कम शीतल हो कोई ज्यादा उष्ण होता है, ऐसा कुछ अंतर होता है अगर एक ही नाम की दो आसव अरिष्ट हो तो? हाँ ऐसा है कि जो आसव होते हैं वो थोड़े अधिक शीतल होते हैं और जो अरिष्ट होते हैं वो थोड़े कम शीतल होते हैं, केवल इतना फर्क है, क्योंकि इसीलिए आसव को काढ़ा नहीं बनाया जाता, उसको उबाला नहीं जाता, वो सारे द्रव्य ऐसे ही पानी में डाल करके छोड़ दिया जाता है और अपने आप में अनुसंधान हो जाता है, और जो अरिष्ट होता है उसे काढ़ा बनाने के बाद में अनुसंधान करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो जो अरिष्ट होते हैं वो थोड़े कम शीतल होती है उसकी प्रकृति, और जो आसव होते हैं उसकी शीतल प्रकृति थोड़ी अधिक मात्रा में होती है। जी, धन्यवाद। जी ठीक है, तो अभी हम शांति पाठ की ओर प्रस्थान करते हैं। जी, अगर जी किसी श्रोतागण का कोई प्रश्न हो तो अंतिम प्रश्न लेते हैं, तो फिर हम शांति पाठ करें। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी राम जी राम। जी राम तीन राम। प्रश्न आ गए। वैद्य जी राम राम। जी राम राम बोलिए। वैद्य जी, अगर मेरे बच्चे मुझे के आपसे सिर में बात फोड़ा करनी हुआ है, तो उस जगह आपसे पे बाल बात उड़ गए एक तो मिनट के बाल आ लिए। सकते हैं क्या उस जगह पे? कृपया कोई एक व्यक्ति प्रश्न करे, दो दो लोगों का साउंड मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहे हैं। बोले मैं आपसे एक मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ क्लास के बाद। कौन से? अभी तो फिर दूसरा सत्र आरंभ हो जाएगा, आप या तो हाँ 11 बजे के बाद फोन करिए या तो फिर कल ये सुबह में फोन करिए, कल दोपहर में, यही थोड़ा बता नहीं दीजिए कल ना एक दोपहर मिनट दो के लिए। वैद्य जी, कल दोपहर को नहीं हो पाए। हाँ मतलब औषधि जो आप भेजे हैं, रंजीत कुमार बिहार से बोल रहा हूँ, उसमें हाँ सेवन जी कैसे करने में पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप 11 बजे फोन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। जी वैद्य जी, हाँ जी राम राम।
राम राम, सिर में फोड़ा होने पे जब सिर के बाल उठ जाते हैं तो वो बाल कैसे आएंगे? सिर के में फोड़े होने से किसके, मतलब छोटा बच्चा है या बच्चे के बच्चे की आयु कितनी है? 2 साल 2 साल है। 2 साल तो आप उसमें जो प्याज होता है ना, प्याज का रस उसमें लगा दीजिए तो आ जाता है। जी, पर ये सिर में फोड़े फोड़े क्यों होते हैं? वो तो कीड़े के कारण होती है, पेड़ में कीड़े होंगे तो इसके लिए फोड़े हो जाते हैं, पेड़ में उसमें कीड़ों के कीड़े लिए होने की दवाई वजह दे से। देगा। जी जी इसको तारपीन का तेल दिया जा सकता है क्या? तारपीन किसका? का तेल खाने वाला, हाँ थोड़ी मात्रा में दीजिएगा, ज्यादा नहीं। हाँ एक बूंद कितना जी, देना है? एक एक बूंद दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिए। ठीक किस समय पे देना है, है? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बात नहीं आ रही है बराबर? जी किस समय पे दें? किस समय पे दे, जी किस समय की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ जी, मतलब तारपीन का तेल बच्चे को दिया जाए तो किस समय पे दें उसको? दूध पिला के, मीठा दूध पिला के कैसे देना चाहिए? यदि आपको तारपीन का तेल यदि देना हो तो उसका एक योग आपको, हमने तो एक बार, मतलब हमें भली भांति याद है कि हमने सिद्ध योग में बताया था, फिर भी आज बता देते हैं। आप पूछ रहे तो कटु की लेनी है, ठीक है, कुटकी लगभग लेना है 4 ग्राम की मात्रा में, और अनार का छाल लेना है 8 ग्राम की मात्रा में, और जो अपामार्ग होता है ना चिरचिटा, उसके पत्ते लेने हैं 8 ग्राम की मात्रा में, दालचीनी लेनी है 1 ग्राम की मात्रा में। ये सबको मिला करके जो है 300 ग्राम की पानी में, मतलब 1 गिलास पानी में उबालिए। जब उसमें 1/4 बचे तो उसमें जो है आपको 4 बूंद तारपीन का तेल मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए रात को सोने से पहले, ठीक है? जी अभी और किसी का तो प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, तो ठीक है। बालकृष्ण जी, आपका कोई प्रश्न था? नहीं, वो समय की मर्यादा है, आप शांति पाठ कीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय के पश्चात भी आप सभी बड़ी संख्या में जुड़ा, इसी तरह से जुड़िए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए, आयुर्वेद को समझिए, सीखिए और इस ज्ञान को औरों में बांटिए। और ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना है, आप सभी का अभराजक पित्त ठीक रहे, स्वस्थ रहें और औरों में इस ज्ञान को बांटिए, यही प्रार्थना और ईश्वर से निवेदन करते हैं आप सभी के लिए। और आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, नमस्ते, जय धन्वंतरि। नमस्ते, आपका आप सभी का बहुत बहुत देर से धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकालने हेतु जुड़ने हेतु परमात्मा से प्रार्थना है, आप सबका भ्राजपित पित्र सदा स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे और आप सभी निरोग रहे। इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। जय अर्पित, जय धन्वंतरि, राम राम, सभी को शुभ रात्रि।